نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Today we will cover whole clinical and or special bacteriology according to the reference of past paper This session includes interesting and funny way to memorize some keywords associated to with major bacteria involved in past papers that are mostly repeated in past papers actually it may be a best alternative to sketchy notes which are the best prescription for medical students regarding microorganisms and bacteriology etc and it may be a solution of many problems of the student faced during exam especially prof papers there is a special note before starting our today's session that this is actually an inverse approach to the study in which we will discuss some important questions from past paper and then study it from our Levinson the referred book of obviously from UHS for pathology and if you want to really make it for other bacteria and like it for like this approach for other bacteria I will make another video for all the microorganism covering in almost 1 hour very easily and with using keywords inshallah so let's start our today's session with dua rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli These are the past papers that are showing on your screen. Okay, let's start from very first question that is from annual 2004 UHS exam clinical bacteriology. I will not show the answers before 30 seconds so that you may guess the answers and may revise your concepts as well first question is how will you diagnose a case of bacillary dysentery actually shigella virus ki shigella bacteria ki wajah se hota hai so shigella dysentery bhi isko bolte hain isko kis tarah se diagnose karna hai iski कंप्लीट डिस्कशन जो है वो बुक में दी गई है मैं वो वाले पेजेस भी बता दूंगा इंशाल्लाह जो लेविनसन में गिवन है और आप वहां से भी पढ़ सकते हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रही है सो द पेज इज 158 चैप्टर इज 18 फ्रॉम लेविनसन देर आर इम्पोर्टेंट आई थिंक फोर पॉइंट्स फॉर दिस डायग्नोसिस द फर्स्ट वन इज मैकोनकी एगर मैकोनकी एगर और ईएमबी एगर में हम सबसे पहले इसकी नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग प्रॉपर्टी चेक करते हैं चूंकि ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है तो ये कलरलेस कलोनी बनाता है दूसरे नंबर पे हम चेक करते हैं टीएसआई एगर के ऊपर इसकी H2S फॉर्मेशन या फिर गैस फॉर्मेशन को जो कि अल्कलाइन और एसिड की रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है और जब इसके शिजेला को चेक किया जाता है तो इसके केस में देर इज़ नो गैस और H2S प्रोडक्शन इसके बाद चूंकि ये दोनों केसेस में एस एच आइडेंटिफाई नहीं हो पाया तो इसके लिए एक जनरल टेस्ट बनाया गया और उसके बाद एक स्पेसिफिक टेस्ट बनाया गया जनरल टेस्ट जो है वो नॉन इन्वेसिव बैक्टीरिया के लिए बनाया गया जिसमें ये भी आता है उनके लिए निमोनिक है CSS सी फॉर कंपैलोबैक्टर एस फॉर शिजेला एंड अनदर एस फॉर सेल्मोनेसिस सो सेल्मोनेला सो शिजेला जो है ये नॉन इन्वेसिव बैक्टीरिया है और ये जब रिएक्ट करता है इसकी फीसिस के सैंपल में इसके साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये मिथिलीन ब्लू कलर शो करता है और जो दूसरे नॉन इन्वेसिव या नॉन टॉक्सिक बैक्टीरिया होते हैं वो एक्चुअली ये कलर शो नहीं करते द लास्ट टेस्ट इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर इट डैट इज़ ओ नेगेटिव एसिड
स्लाइड टेस्ट, एग्लूटिनिन टेस्ट भी बोलते हैं, ओ नेगेटिव टेस्ट है एंटीबॉडी का के लिए, जो कि स्पेसिफिकली शिजेला की डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है. दीज आर वेरियस टेस्ट गिवन हेयर, यू मे राइट योर ओन फ्रॉम वेरी रेफर्ड बुक लेविंसन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वट आर द कल्चरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, इसको कम्प्लीटली ही करना चाहिए क्योंकि इसके इसमें से डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन आए हैं. अभी इसमें इसके कल्चरल करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात की गई है, जिसमें हम इसकी पूरी की पूरी डायग्नोसिस पढ़ लेंगे. कल्चरल करैक्टरिस्टिक्स के लिए चैप्टर नंबर 21 है, लेविंसन का पेज नंबर 188 है, जिसमें ये करैक्टरिस्टिक्स गिवन है. पहले हम कल्चर्स देखते हैं किन किन कल्चर्स पे ग्रो कर सकते हैं, फिर हम उसके टेस्ट देखेंगे ये कौन कौन से टेस्ट शो करते हैं. तो टोटल 4 कल्चर्स हैं जो कि बुक में गिवन है. फर्स्ट वन इज़ नील जील नेल्सन या किनियोन, वो मीडियम भी बोलते हैं इसको, जिसके ऊपर ये स्पूटम से डायरेक्टली लेकर चेक किया जाता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को. नेक्स्ट इज़ एक्चुअली ब्लड एगर, जिसके ऊपर ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता. थर्ड इज़ एक्चुअली इसके लिए स्पेशल है लोविंस्टन जेंसन एगर, और उसको उसके अंदर इसको पहले ट्रीट करवाया जाता है NaOH के साथ, और उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसको ग्रो करवाया जाता है जेंसन एगर के ऊपर, जिसको ग्रो करने में 8 हफ्ते लगते हैं, 8 वीक्स. ये MCQ भी इम्पोर्टेंट है. इसके बाद ये टोटल 4 कल्चर एगर्स हैं, मीडियम्स हैं. एक लास्ट पे है इसमें लिक्विड बैक्टम. लिक्विड बैक्टम एक फास्ट ग्रोइंग कल्चर है, इसके लिए जो सिर्फ 2 वीक्स के अंदर अंदर अपना टेस्ट शो कर देते हैं, इस वजह से ये प्रेफरेबल है. हम दूसरे नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. इसके बाद हम अगर इसके टेस्ट देखते हैं, तो टोटल इसके फर्स्ट जो टेस्ट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट, डैट इज़ नियासिन प्रोडक्शन टेस्ट, जो सिर्फ इसकी करेक्टरिस्टिक है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की. दूसरा जो टेस्ट है जो ये शो करता है वो एसिड न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है, न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट है, जिसमें मायोबैक्टीरियम का RNA और DNA पॉलीमरेज को चेक किया जाता है. इसके अलावा इसकी ससेप्टिबिलिटी टेस्ट को भी चेक किया जाता है. ससेप्टिबिलिटी टेस्ट एक्चुअली ड्रग रेजिस्टेंस के लिए चेक किया जाता है, और चूंकि ये मोस्टली ड्रग रेजिस्टेंट ही रहता है, काफ़ी टाइम से इसके अगेंस्ट ड्रग्स वैक्सीनेशन आ रही हैं, लेकिन बैक्टीरिया ने अपने आप को म्यूटेंट किया हुआ है, तो इस वजह से हम इससे नेक्स्ट टेस्ट को प्रेफर करते हैं, डैट इज़ मोलेकुलर टेस्ट. और मोलेकुलर टेस्ट में हम 2 चीज़ें देखते हैं, कैटलेज को और एक पॉलीमरेज को. कैटलेज एक्चुअली वो काम कर रहा होता है अगेंस्ट आइसोनियाजिड, और पॉलीमरेज जो है वो रिफैम्पिन के अगेंस्ट वर्किंग कर रहा होता है, उसकी ड्रग रेजिस्टेंस बना रहा होता है उसके अगेंस्ट. सो दीज आर द मेन टेस्ट. इसके अलावा एक और टेस्ट बुक में गिवन है, डैट इज़ लूसीफरेज एसे टेस्ट. लूसीफरेज एसे टेस्ट एक्चुअली एक लूसीफरेज एंजाइम के थ्रू किया जाता है. लूसीफरेज एंजाइम फायरफ्लाई यानी जुगनू से लिया जाता है, जिसकी वजह से वो लिट करता है. सो उसको बैक्टीरिया में ग्रो किया जाता है, और उस एंजाइम की वजह अब वो कंजर्व हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर. सो अगर हम उसके अंदर उसके ऊपर उस ग्रोथ के ऊपर जिसमें बैक्टीरिया ने इसको कंजर्व किया हुआ है कोई ड्रग लगा डाल दें, अगर तो वो ड्रग उसकी उसके साथ रिएक्ट कर सकती है, उसके लिए बेहतर है, रेजिस्टेंट नहीं है, सो तो वो क्या करेगी, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगी. और इससे क्या हमें साबित हो जाएगा कि वो लाइट कम हो जाएगी. ऑब्वियसली जब बैक्टीरिया ख़त्म होगा तो वो एंजाइम कंजर्व नहीं रहेगा, और उसकी वजह से लाइट कम हो जाएगी. लाइट कम होगी तो हमें ये पता चल गया कि ये ड्रग जो है हम इसके लिए एज ए फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर द सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट यू मे रेफर योर बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेबुलेट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई, और यहाँ पे भी ये मैंशन है टेबल 15.4 यानी चैप्टर 15 में है ये, और उधर से ये पूरा का पूरा टेबल इन्होंने पूछ लिया है स्ट्रेप्टोकोकाई की पैथोजेनेसिस के ऊपर. और सेम टेबल यहाँ पे भी बना हुआ है, हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले देखना है कि स्ट्रेप्टोकोकस की कितनी टोटल जीन्स हैं, और उनके आगे जितने उनकी टाइप्स हैं. स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स हैं, अग्लेक्टिकाई है, फेशियलिस है, बोविस है, निमोनियाई है, और विरिडन्स स्ट्रेप्टोकोकाई है. सो सबसे पहले हमने एक चीज़ इसमें कीवर्ड याद कर लेना है कि सारे के सारे पायरोजेनिक हैं.
सर दूसरा जो इसमें कीवर्ड है वो हम यूज़ करेंगे, वो हम अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी लोकेशन चेक करेंगे इनकी साइट कहाँ पे है। अब साइट 3 तरह की हो सकती है, एक वो है जहाँ पे इन्होंने डिजीज़ कॉज करनी है जिसको डी के नाम से लिखा हुआ है, मेन साइट ऑफ डिजीज़। एक कॉलोनाइजेशन है जहाँ पे ये ग्रो करते हैं बॉडी की उस जगह के ऊपर, और एक नॉर्मल फ्लोरा है जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, डिफरेंट जगहों पे आता भी होता है, और जनरल बैक्टीरियोलॉजी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो पायरोजेनिक हम पहले देख लेते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई पायरोजेंस का ही। तो इसके आगे फिर 2 टाइप्स हैं, लोकल और डिसेमिनेटेड। सो अगर हम यहाँ से इसको तैयार करेंगे और याद करेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखना है कि पायरोजेंस में स्किन आती है ऊपर, तो स्किन में इम्पेटिगो, सेलुलाइटिस और फरेंजाइटिस है। तो इम्पेटिगो के ऊपर एक सिनेरियो भी है जो पास्ट पेपर में आया हुआ है, जो आगे हम एक दफ़ा पढ़ेंगे। इसके बाद थ्रोट है, थ्रोट स्किन के बाद अगर हमने बॉडी के अंदर एंटर होना है तो गले के थ्रू होंगे, उसकी वजह से हम इसको सेलुलाइट वो फ्रेंजाइटिस का वर्ड यूज़ करेंगे, और इसमें स्किन में ही सेलुलाइटिस यूज़ हो जाएगा। इसके बाद हम अगर ब्लड स्ट्रीम अगर जेन में लाएं, क्योंकि थ्रोट के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा थ्रू डाइजेशन या फिर लंग्स के थ्रू जहाँ पे भी वो जाना चाह रहा है, तो उधर सेप्सिस होगी। सेप्सिस इज़ एक्चुअली इन्फेक्शन ऑफ ब्लड। सो दीज आर द पायरोजेनिक फैक्टर्स ऑफ पायरोजेंस। इसके अलावा इसके 2 इंपॉर्टेंट और भी हैं जो सिर्फ इसी के हैं, इसी की करेक्टरिस्टिक में है, और किसी में भी ये पायरो स्ट्रेप्टोकोकाई में ना टॉक्सीजेनिक है ना इम्यून इमीडिएटेड है। टॉक्सीजेनिक में स्कारलेट फीवर और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, और स्कारलेट फीवर जो है ये नॉर्मली ऑर्गन्स में होता है, और टॉक्सिक शॉक जो है ये स्कारलेट फीवर जो है वो स्किन के ऊपर होता है, स्किन से याद रखना हमने इसको, और टॉक्सिक शॉक जो है बड़ी डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर होता है। इम्यून मीडिएटेड का अलग से भी एक एमसीक्यू आया हुआ है और एससीक्यू भी आया हुआ है पास्ट पेपर में, और उसमें 2 डिजीजेज आती हैं जो पायरोजेंस कॉज करते हैं, डेट आर रियोमेटाइड फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो रियोमेटाइड फीवर जो है उसके लिए हार्ट और जॉइंट मेन साइट ऑफ डिजीज़ है, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किडनी है उसके लिए। एग्लेक्टिकाई जो है उसके लिए पायरोजेनिक है, उस बाकी सब पायरोजेनिक है। उसमें हमने देखना है कि जो कॉलोनाइजेशन है वो वजाइना में होती है, और इस वजाइना में की वजह से ऊपर यूट्रस में अगर इन्फेक्शन चला गया और अगर डिलीवरी हो जाती है, अगर प्रेगनेंसी की वजह से डिलीवरी हो जाती है, तो उस वजह से जो फीटस होगा उसमें न्यूनेटल सेप्सिस और मेनिनजाइटिस के प्रॉब्लम्स होंगे। इसके अलावा फिशेलिस है, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और एंडोकार्डाइटिस जैसे इन्फ्लेमेशन काज करेगा, तो ये नॉर्मली कोलोन में होता है। इसके अलावा बूविस भी बूवल से निकला है, तो एंडोकार्डाइटिस पास करता है, नॉर्मल फ्लोरा इसका कोलोन में है। इसके अलावा नमूनाई है, नाम से पता चल रहा है ओरोफेरेंक्स में होता है, ओरोफेरेंक्स नमूनाई ओटाइटिस मीडिया और मेनिनजाइटिस पास करता है। इसके अलावा विरिडियंस हैं, तो ये दोबारा से ओरोफेरेंक्स का ही एक कोलोनाइजेशन होती है वहाँ पे, तो एंडोकार्डाइटिस पास करते हैं। सो दिस इज़ द टेबल फ्रॉम लेविंसन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज ए ग्रैंड मदर इज इन रिमोट विलेज, रिमोट विलेज काओ डंक टू द एम्बिलिकल स्टंप ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड डेवलप्स स्ट्रोंग मस्कुलर स्पास्म प्रोड्यूस्ड आर्किंग ऑफ बैक एंड डाइज ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर आफ्टर ए वीक। तो आप खुद गैस करें कि ये कौन सी है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, मस्कुलर स्पाज्म इसका कीवर्ड है, दूसरा कीवर्ड इसका आर्किंग ऑफ बैक है। और मैं इसका पेज नंबर बताता हूँ, एक इसका पेज नंबर है बुक में 138, उसके अंदर इसकी डायग्राम भी बनी हुई है, फिगर उसकी आई थिंक 17.4 है, और उसके अंदर इसका नाम भी लिखा हुआ है ओपिस्टोटोनस के नाम से ही आर्किंग ऑफ बैक लिखा हुआ है। तो ये टेटनस की मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हमें आराम से पता चलेगा कि ये डिजीज़ जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटिना है, इसका कॉजेटिव एजेंट है, और ये टेटनस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज के नेम द अदर 3 बैक्टीरियल स्पीशीज जो कि इसी जीनस से बिलोंग करती हैं और इससे कॉज करती हैं। सो हमने हमें ये भी पता है क्लोस्ट्रीडियम के आगे 3 मेन जो हैं वो स्पीशीज़ हैं, क्लोस्ट्रीडियम परफेरिजेंस, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम।
सो इनके नाम से ही ऑलमोस्ट इनकी जो डिजीज है वो पता चल जाती है, जैसे कि बोटुलिनियम की बोटुलिज्म काज करता है, डेफिसिलाइल जो है वो हमने पहले काफ़ी दफ़ा ये रिपीट होता रहता है तो हमें पता है कि सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस काज करता है, पर फेरिजन्स इसके नाम से पता चला है कि पर फेरिजन्स पर पोर करता है, तो ये स्किन के अंदर गैस, गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम्स काज करता है। सो इसकी डायग्राम्स भी बुक में बनी हुई है, वहाँ से विजुअल मेमोरी भी अच्छी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट इज़ द क्लासिफाइड स्पाइरोकेट इन 3 जेनरा, ये नेक्स्ट पास्ट पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके लिए जो निमोनिक है वो है BTL। वैसे तो BTS होता है वर्ड जो आपने नॉर्मली सुना होगा, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, BTL, B फॉर बुरेलिया बुरेलिया, और ट्रेपोनीमा T फॉर एंड L फॉर लेप्टोस्पायरा, ये 3 इसकी मेन जेनरा हैं। आगे बुरेलिया की जो है वो डिफरेंट दो टाइप्स हैं, आगे जीनिसिस हैं वो सॉरी स्पीशीज़ हैं जो बुक के अंदर गिवन है। नेक्स्ट चलते हैं, नेम द ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज काज बाय ईच स्पीशीज ऑफ जेनरा, कौन कौन सी डिजीज़ हैं आप खुद का गैस करें, हमें इनका पहले से पता है। ट्रेपोनीमा का हमने फर्स्ट ईयर में यानी कि FSC में भी ये पढ़ा हुआ है, सेकेंड ईयर में ट्रेपोनीमा सिफेलिस काज करते हैं, और ये दो न्यू हैं हमारे लिए इस बार, बोरेलिया और लेप्टोस्पायरा। बोरेलिया जो है वो एक्चुअली इसकी मैंने बताया कि 2 या 3 आई थिंक टाइप्स हैं जो कि वो सॉरी जी स्पीशीज़ हैं जो बुक में गिवन है। एक बर्क डॉग फेरी है जो लाइम डिजीज़ काज करती है, लाइम एक्चुअली एक जगह का नाम है, उसकी बेस के ऊपर इसका रखा गया है, इसलिए हम इसका कोई फनी या कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा रिकरेंटिस है, और एक और बुक के अंदर गिवन है नेम, उन वो दोनों ही रिलैप्सिंग फीवर काज कर रही होती हैं, ठीक है। और लेप्टोस्पायरा जो है वो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, लेप्टोस्पोरोसिस ये काज कर रही है। सो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, अगर हम थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करें तो इजीली ये कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एट प्रेजेंट TB इज़ ए ग्लोबल एमरजेंसी टू WHO, देर आर 3 मिलियन केसेज इन पाकिस्तान, मैंशन 4 फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस रिसेंट डिजीज, अगेन माइंड ट्रिकिंग क्वेश्चन है, अगर आपने बुक ना भी पढ़ी हो तो इजीली कर सकते हैं। TB के लिए कौन से कॉजेटिव कंट्रीब्यूटिंग एजेंट्स वो फैक्टर्स हैं वो अगर हम एनलिस्ट करें तो सबसे पहले हमें पता है कि माल न्यूट्रिशन है, दूसरे नंबर पे हमें पता है कि पुअर लाइफ स्टाइल है, कंजेस्टेड लाइफ स्टाइल है, क्योंकि TB एयर पार्टिकल्स के थ्रू जाता है, 1% to 1% ये फैलता है, कंटीजियस है थ्रू एयरबोर्न पार्टिकल्स की वजह से, तो ये एयरबोर्न भी इसका एक मेन कॉज है। तो अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट वही चीज़ें इधर लिखी हुई है, माल न्यूट्रिशन है, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टिव पर्सन है, लो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ऑब्वियसली अगर हमारी इम्यूनिटी कम है तो हमें कोई भी डिजीज़ हो सकती है। डायबिटीज़ एक न्यू एडिशन है, मुझे खुद नहीं इसका पता था लेकिन अभी न्यू पता चला है, या कंजेस्टेड लिविंग इन्वायरमेंट है, HIV अगेन ये मीडिएटेड इम्यूनिटी को कम कर देती है, इस वजह से वायबल फॉर 12 to 8 आवर्स इन स्पूटम यानी कि एयरबोर्न है, तो ये हमने खुद ही बना लिए थे। इसके बाद अगर हम डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरापी के ऊपर चलते हैं तो ये गिवन है, इसका मैं पेज नंबर बताता हूँ, इसका है पेज चैप्टर नंबर 21 है, पेज 190 189 बुक के 11th में ये गिवन है। अगर हम वहाँ से देखते हैं तो उधर एक ही इसका एडवांटेज मेनली लिखा हुआ है, बाकी एडवांटेज जो हैं वो इससे ऊपर डिफरेंट मैनेजमेंट बताई गई हैं, थेरापीज बताई गई हैं, उनके ड्रॉबैक्स से हम निकाल सकते हैं, वही इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ड्रॉबैक्स जो हैं वो इधर कंपनसेट हो जाते हैं क्योंकि ये बेस्ट थेरापी कंसिडर की जाती है, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरापी डॉट के नाम से। सबसे पहली ये है कि नॉन कंप्लेंट पेशेंट्स में वेरी यूजफुल है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी बुक के अंदर गिवन है। दूसरी जो है वो हमने खुद जनरेट करनी क्रिएट करनी है। फर्स्ट ये है कि रिस्पॉन्स जो है ना वो इंडिविजुअल्स ड्रग्स का वो पता चल जाता है बहुत इजीली। तीसरे नंबर पे जो MDR स्ट्रेन है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन जो होते हैं ना, उनकी डेवलपमेंट को ये ख़त्म कर देता है कि हमें एक ही दफ़ा जब पता चल गया कि ये ड्रग देनी है, ये फर्स्ट लाइन देनी है, सेकेंड लाइन देनी है, थर्ड लाइन देनी है, तो इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट नहीं हो पाएगा, वो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा, हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़ेंगे पहले। और दूसरे लास्ट पे हमने देखना है कि प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, वैसे 3 पूछे हैं, एक एक्स्ट्रा है, प्रॉपर प्रोटोकॉल इस वजह से कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया
कि इस बैक्टीरिया के लिए कौन सी ड्रग देनी है, इसको कितने अर्से के लिए देनी है, इसकी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो कितनी हो चुकी है, कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में, इस वजह से प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है पेशेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 20 ईयर्स ओल्ड फार्मर डेवलप्स बाउट्स हैं ऑफ फीवर विद चिल्स एंड जिगर अकरिंग 30 every 30 or 48 hours। एक्चुअली ये वाला हमारा स्पेशल या क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये पैरासिटोलॉजी में कवर होगा। ये पैरासाइट है, यस इट इज़ प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, सो ये इंशाल्लाह हमारा जब वो वाला सेशन होगा तो उसमें ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ STDs आर मेंशन आर अमंगस्ट द कॉमनेस्ट इन्फेक्शियस डिजीज वर्ल्ड वाइड, मोर देन 20 STDs हैव बीन आइडेंटिफाइड, द इंसिडेंस ऑफ STDs इन इज रेजिंग इन लास्ट फ्यू डिकेड्स, और नेम 6 diseases इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ STDs बाई WHO। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को बोलते हैं, और 20 अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, जिनमें से 6 का उन्होंने क्या क्या लिस्ट करें। ये वैसे तो लिस्ट बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर हमने इसको ढूंढना है तो एक तरीका मैं बताता हूँ। अगर आप इंडेक्स में जाते हैं और STDs सर्च करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, 8-10 पेज के ऊपर, लेविंसन के ऊपर, तो वहाँ पे हमें ये मिल जाएंगी। और ऑब्वियसली जो हमारे सिलेबस में डिजीजेज हैं वही WHO की एनलिस्टेड डिजीजेज हैं, तो हम वहाँ से कोई भी 6 लिख सकते हैं। उनमें से हमने 4 वैसे ही पढ़ी हुई हैं, पहली अगर आप लोग प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो ईजिली आपको पता होगा कौन कौन सी वो 4 डिजीज हमने पढ़ा हुआ है। ट्रेपोनीमा से जो सिफेलिस होती है, गनोरिया में पता है, HIV का पता है, और कंपाइलोबैक्टर का पता है, और सॉरी जेनिटल हर्पीज का पता है। इसमें 2 हम अपने से और वहाँ से बेशुमार आई थिंक 4-5 और हैं, वहाँ से इजीली ऐड कर सकते हैं, क्लेमाइडिया, ट्रैकोमोनियासिस। वैसे भी अगर हमने बैक्टीरियोलॉजी अच्छी से पढ़ी होगी तो हमें वैसे भी पता होगा कि कौन कौन सी डिजीजेज हैं इसमें। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेम द 4 रीजंस एट्रीब्यूटेड टू दिस इंक्रीज, और ये भी हम अपनी तरफ से खुद लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अगेन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और बगैर पढ़े भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह से हमें पता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किस तरह से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, उनका रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो अगर हम थोड़ा सा सोचें तो हमें पता चल जाएगा कि सेक्सुअल इंटेक्ट से ज़्यादा हो रही हैं, प्रोस्टिट्यूशन से ज़्यादा हो रही हैं, होमोसेक्सुअलिटी से ज़्यादा हो रही हैं, दूसरा जो नॉन नेचुरल जो एक्टिविटीज़ हैं लाइक लेस्बियन, GTBL, वो उन एक्टिविटीज से ज़्यादा हो रही हैं, मल्टीपल मल्टीपल इंटरसेक्सुअल पार्टनर्स की वजह से ज़्यादा हो रही हैं, जो सेफ्टी मैयर्स हैं उनको अगर अडॉप्ट ना किया जाए उसकी वजह से ज़्यादा हो रही हैं, डिफरेंट जो SOPs इसके लिए गिवन होती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए, यानी कि कॉन्डम का यूज़ और डिफरेंट जगहों के ऊपर इसकी जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, अगर उसको फॉलो ना किया जाए तो इसका इंक्रीज हो सकता है। ये सारी वो हैं जो कि पॉसिबल काजेज हैं, इधर काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई हैं, आप इनमें से अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, चेंजिंग सेक्सुअल बिहेवियर, STD कंसिडर एज स्टिग्मा, स्टिल नो प्रॉपर वैक्सीन, इंक्रीज मोबिलिटी है, हाई रिस्क सेक्स पार्टनर है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, पार्टिसिपेटिंग इन प्रोस्टिट्यूशन है, यूज बर्थ कंट्रोल पिल्स विदाउट यूजिंग कॉन्डम्स, मतलब ये पॉसिबल काजेज हैं, इसको हम खुद भी सोच के लिख सकते हैं, नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वुमेन ऑफ चाइल्ड बेरिंग एज आर फार मोर प्रोन टू UTIs देन मैन बिकॉज ऑफ शॉर्टन यूरिथ्रा। ये क्वेश्चन के अंदर ही एक आंसर है और ये MCQ भी आया हुआ है कि फीमेल्स में UTIs क्यों ज़्यादा होती हैं, आंसर है शॉर्टन यूरिथ्रा की वजह से। और अगला सवाल ये है इनका कि एनलिस्ट 2 बैक्टीरिया इन ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी विच कैन काज UTI इन वुमेन ऑफ चाइल्ड बेरिंग एज, यानी कि प्रेगनेंट वुमेन में कौन से UTI काजिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये भी एक पूरा चैप्टर है 78 लेविंसन में, जो UTI के ऊपर है। इसके अलावा स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी में भी डिफरेंट UTIs का जिक्र किया गया, उनमें से जो सबसे स्पेशल फीमेल प्रेगनेंसी के से रिलेटेड हैं वो 2 यहाँ पे मेंशनड हैं, डेट आर ई कोलाई एंड स्टेफ सेप्रोफाइटिकस, स्टेफ स्टेफ स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस।
तो ये हमें पहले से पता है, ईकुलाई बहुत सारी डिजीज़ काज करता है, उनमें से ये यूटीआई जो है ये मेजर डिजीज़ है इन प्रेग्नेंट लेडीज़। इसके अलावा यूटीआई के रिस्क फैक्टर्स क्या है प्री डिस्पोजिंग, तो ये भी हम अगर बजाय पड़े कुछ बनाना चाहें तो इजीली बना सकते हैं। अगर मैं दिखाए बगैर कुछ बताऊं रिस्क फैक्टर्स, तो हमें क्या पता चलेगा कि एज के हिसाब से ये ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं फीमेल्स में यूरिथ्रा की, उस वजह से हो सकते हैं। दूसरे इन्फेक्शंस जो होते हैं उसके इर्द गिर्द जो सबसे क्लोज इन्फेक्शंस हैं उसकी वजह से ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा चूंकि यूटीआई जो है उसका बैक्टीरिया 3 तरह से इसके अंदर आता है, वो भी हम इंशाल्लाह आगे 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, और वो 3 पार्ट्स को अगर हम पढ़ लें तो हमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स का पता भी चल जाएगा। सो चेक करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमसे कवर हुई हैं। एज गिवन है सेक्सुअली इनएक्टिव सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, डायबिटीज़ मेलाइटिस मेरे लिए न्यू है, अगेन आप लोगों के लिए भी मे बी हो, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स की वजह से, इंस्ट्रूमेंटेशन और सर्जरी की वजह से ये काज होती है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं इसके। ओके नेक्स्ट चीज़ क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रो MTB जो है हैज़ ए कम्प्लेक्स सेल वॉल, और इसकी सेल वॉल जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है बाकी बैक्टीरिया से, ये वो करेक्टरिस्टिक अलग है इसकी। तो उसमें वो क्वेश्चन कह रहा है कि हीटिंग रिक्वायर होती है, और इसके लिए जो स्टेन यूज़ किया जाता है वो जेड एन स्टेन है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पूछा भी हुआ है, जेड एन स्टेन है और उसके लिए हीट रिक्वायर्ड होती है। हीट हम अगर खुद भी सोचें थोड़ा सा तो आराम से आंसर बन सकता है, क्यों? क्योंकि इसकी जो वॉल है उसमें माइकोलिक एसिड है, इस वजह से इसको माइको माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया भी कहते हैं ना, माइको बैक्टीरियम। तो इस वजह से जो हीट है उसके अंदर हीट इस वजह से की जाती है ताकि पेनिट्रेशन पावर बढ़े स्टेन की, स्टेन आसानी से एक दफ़ा उसको कलराइज कर दे उसकी सेल वॉल को। तो और इसका क्या फंक्शन हो सकता है, लेट्स चेक। इसके पास माइकोलिक एसिड है और ग्लाइकोलिपिड्स हैं जो कि वैक्सी लेयर बनाते हैं, और स्टेनिंग दे होल्ड टाइटली टू द डाई एंड रेजिस्ट डीकलराइजेशन ऑफ, हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ स्टेन, बट वंस स्टेन दे रेजिस्ट डीकलराइजेशन एंड काउंटर स्टेन, हीट जस्ट रिक्वायर्ड है पेनिट्रेशन के लिए। आगे वो क्वेश्चन कर रहा है नेम 4 कम्प्लेक्स लिपिड्स जो कि इसकी वॉल में प्रेजेंट होते हैं, वो हमने टीबी वाले चैप्टर में सारे के सारे एनालिस्ट हैं, उन टोटल 5 या 6 फैक्टर्स हैं जो इसकी वॉल में थे, लेकिन ये सिर्फ लिपिड्स का पूछ रहा है। तो हम लिपिड्स को एनलिस्ट कर लेते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन में आई हुई है, बहुत दफ़ा रिपीट हुई हुई है, और इंशाल्लाह आज जो हम कवर करेंगे ये पास्ट पेपर्स और ये क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से 40 to 50% पेपर हमारा इस साल का बनेगा इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ पार्ट इसका ज़रूर आएगा। बाकी हम इंशाल्लाह बाकी दूसरे तरीकों से नेक्स्ट फेजेस में बैक्टीरियोलॉजी को कवर कर लेंगे। सो कौन कौन सी ये लिपिड्स हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हैं माइकोलिक एसिड, फॉस्फोलिपिड, वैक्स डी और फॉस्फैटिडाइड्स। इसमें से जो 3 लिपिड्स हैं ना, माइकोलिक एसिड, फॉस्फोलिपिड्स और फॉस्फैटिडाइड्स, ये इसके लिए फ़ायदे के हैं, लेकिन जो वैक्स डी है ना ये इसको नुकसान पहुंचाती है बैक्टीरिया को। किस तरह से चेक करते हैं, माइकोलिक एसिड जो है ये एक डिफेंसिव समझ लें कि बैरियर बना देती है जिससे केमिकल डैमेज नहीं होता, डिहाइड्रेशन नहीं होती, और एंटीबायोटिक जो है ना वो इस वजह से रेजिस्टेंट हो जाती है, इसकी वजह से वो एक्ट नहीं कर पाती इसके ऊपर। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेयर, वोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटीबायोटिक क्यों नहीं एक्ट करती माइकोलिक एसिड की वजह से। दूसरे नंबर पे जो है ना ये जो है उसको मैक्रोफेजिस के से बचा कर होस्ट की जो जो बाकी सेल्स है ना उनमें आसानी से ग्रो करवा सकती है, उधर हाइड करवा देती है, ये माइकोलिक एसिड जो लिपिड है ना इसको बचा देती है मैक्रोफेजिस से, यानी इसके दुश्मनों से इसको बचा देती है। फॉस्फोलिपिड जो है ना ये इसकी नेक्रोसिस से बचाती है इसको, ठीक है, सॉरी इसकी नेक्रोसिस करवाती है कि कैसेटिंग नेक्रोसिस करवाती है जब इसको ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जब इसकी डेथ हो जाती है और इसको बाकी सेल्स की ग्रोथ को ज़रूरत पड़ती है, इसके जो बाकी बैक्टीरिया के सेल्स ने ग्रो करना होता है तो इसकी नेक्रोसिस होने लग जाती है। तो लास्ट में फॉस्फेटिडाइड्स हैं जो कि इसके सर्वाइवल को इंक्रीज़ करती है जब ये फेगोसाइटोज हो जाती है।
एक रह गया वैक्स डी, जो कि इसके खिलाफ काम करती है। वो किस तरह से, वो एंटीजन जो होता है ना, जो इसका दुश्मन होता है, उसको इसके करीब ले आती है और उसका सस्टेप वो उसको रेक्ट करवा देती है, एडजुवेंट बना देती है, उसके रिस्पॉन्स को तेज कर देती है, ताकि वो जो इसका दुश्मन है इस पर आसानी से अटैक कर सके। इसके बाद जो है इंड्यूस करती है सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स को, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया तो मरेगा, तो ये इसके ऑपोजिट वर्क कर रही होती है वैक्स डी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट है, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। द अबव मेंशन न्यूज़ रिपोर्टर रिपोर्टेड दैट रिपोर्टेड न्यूज़ आइटम स्मग एज बग, ही वाज श्योर ही वाज राइट, अ कन्वेंशनल मेडिकल विजडम रॉन्ग अबाउट सच अबाउट द काज ऑफ स्टमक अल्सर दैट ही स्वॉलोड बैक्टीरिया टू प्रूव दिस हिज पॉइंट। नाउ वन सैटरडे अगस्त 2, 1997 फाइनली बैरी मार्शल एंड रॉबिन्स गोट हाफ द नोबेल प्राइज ईच इन 2005 बाई प्रूविंग द मोस्ट ऑफ द स्टमक अल्सर्स एंड गैस्ट्राइटिस वर कॉज बाई इन्फेक्शन बाई दिस बैक्टीरियम एंड नॉट बाई द स्ट्रेस एंड स्पाइसी फूड। ये इतनी लंबी स्टेटमेंट बनाना बस एक कन्फ्यूज करने के लिए किया गया स्टूडेंट्स को। सवाल ये है कि स्टमक अल्सर का कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो हमें सबको पता है कि हमने कितनी बार ये चीज़ पढ़ी हुई है कि एच पायलोरी जो है वो इसका कॉजेटिव एजेंट होता है, हेलोबैक्टीरियम पायलोरी। तो इसमें कोई हाई फाई नॉलेज नहीं है, ये हमें आता था पहले से। हाउ वर कूच पोस्टेड फुलफील्ड टू प्रूव वेदर एन ऑर्गेनिज्म वाज पैथोजेनिक इन दिस डिजीज, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, निरेट इन लेस देन 70 वर्ड्स, यानी कि 70 वर्ड से कम हमने निरेट भी करना है। तो कूच पोस्टुलेट हमें सबको पता है कि क्या होता है, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, और उसको किस तरह से इसके साथ रिलेट किया जा सकता है वो भी कर लेते हैं। हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है, कूच ने ये पोस्टुलेट दिया था जिसके 4 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट ये था कि बैक्टीरिया अपने होस्ट के बगैर भी ग्रो कर सकता है, नंबर वन। दूसरे नंबर पे उसकी ग्रोथ वो ग्रो करके मल्टीप्लाई भी हो सकता है दूसरे कल्चर के अंदर, ठीक है। और फिर अगर हम वहाँ से उसको दोबारा से उसके होस्ट के अंदर डाल दें तो वहाँ पे ये डिजीज़ भी काज कर सकता है। और शुरू में जो बैक्टीरिया था जो होस्ट में ग्रो कर रहा था वो भी डिजीज़ काज सकता है, काज कर सकता है, ये कूच के पोस्टुलेट्स थे। और इसी तरह एच पाइलोरी का हम लिख सकते हैं कि जहाँ पे बैक्टीरिया का वर्ड यूज़ हो रहा है वहाँ पे एच पाइलोरी ऐड करते जाएँ तो ये हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एनुअल 2009 का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 12 है। ए केस ऑफ एक्यूट एब्डोमन वाज ब्रॉट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड वाज डायग्नोज इन द केस ऑफ परफोरेटेड इंटेस्टाइन पार्शल रिसेक्शन एंड आइलोस्टोमी इलियोस्टोमी वाज कैरीड आउट फॉलोइंग दैट पेशेंट डेवलप पेरिटोनाइटिस हाई ग्रेड फीवर एंड वेंट इनटू शॉक। इसमें जो की वर्ड्स हैं ना वो हमने देखने हैं, पेरिटोनाइटिस और शॉक। ये आप लोग थोड़ा सा अगर थोड़ा सा फोकस करें, कंसंट्रेट करें, तो हमें इजीली पता चल जाएगा। पेज नंबर है, मैं आपको बताता हूँ, चैप्टर 18 167 पेज नंबर, लेविंसन, और बिल्कुल यही स्टेटमेंट गिवन है, पेरिटोनाइटिस और शॉक भी लिखा हुआ है वहाँ पे। सो दिस इज एक्चुअली बैक्टीरियोइड, और उसी बैक्टीरियोइड के अंदर ही से ही ये क्वेश्चन निकाला गया, वहाँ पे ही ये मैंशनड है लेविंसन में। तो एक्चुअली पैथोजेनेसिस का पूछ रहे हैं, और पैथोजेनेसिस कि जो ये यहाँ पे जो इन्होंने लाइंस लिखी ये लेविंसन की ही लाइंस है। थोड़ा सा हम इसको एलेबोरेट कर देते, मैं एक दफ़ा आसान वर्ड्स में बता देता हूँ कि जो बैक्टीरियोइड्स है ना ये एक्चुअली पेरिटोनाइटिस या एब्सेस कॉज करते हैं, और इस वजह से ना जो ई कोलाई है ना वो इसकी जो ऑक्सीजन है ना ऑक्सीजन सारी यूटिलाइज कर लेता है, और ये चूंकि एनरोबिक बैक्टीरिया बैक्टीरियोइड तो इसके लिए वो कंडीशन वो बन जाती है ताकि ये ग्रो कर सके। तो ई कोलाई हेल्प कर रहा होता है बैक्टीरियोइड को ग्रो करने में, ये सारी स्टोरी है। अब इसको किस तरह से इन्होंने मेंशन किया है चेक कर लेते हैं। पहले तो हमें पता है कि ट्रोमा एंड प्रेगनेंसी सॉरी ट्रोमा एंड सर्जरी जो है वो इसकी पैथोजेनिस के लिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है, डेट आर मैंशनड इन लेविंसन। इसके बाद जो फैकल्टेटिव एनरोब्स हैं सच एज ई कोलाई यूटिलाइज ऑक्सीजन देयर बाय रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन लेवल डेट अलाउज एनरोब्स स्टेन टू ग्रो, यानी कि उसने अपने साथी को ग्रो करने के लिए वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया, उसका साथी बैक्टीरियोइड है, ठीक है। और उससे क्या होगा, अब हमें इसके ना
वीरुलेंस फैक्टर्स देखने कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो वीरुलेंस फैक्टर, डेट इज़ पॉलीसेक्राइड कैप्सूल। पॉलीसेक्राइड कैप्सूल के बाद जो है एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया, एंडोटॉक्सिन जो है उसका एक कंपोनेंट है लिपिड ए, जो कि फैटी एसिड का एक मिसिंग पार्ट होता है। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 100 times लेस लेस वीरुलेंस होता है, लेस एक्टिव होता है अगेंस्ट एज कम्पेयर टू द एंडोटॉक्सिन ऑफ अदर बैक्टीरिया। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। लेकिन जो एंजाइम्स हैं, जैसे कि हाइलुरोनिडेज है, कोलेजिनेज है, फोस्फोलाइपेज है, ये एंजाइम्स जो होते हैं टिश्यू डैमेज को काज कर रहे होते हैं। और लास्ट में जो पॉइंट है विरुलेंस का, दैट इज एंटरटॉक्सिन। ये बैक्टीरिया ये क्या करता है, डायरिया काज करता है एडल्ट में भी और चिल्ड्रन में भी। ये टोटल 4 है एज इट इज मेंशनड लेविसन में। वहाँ से पढ़ लें, यहाँ से पढ़ लें, सेम बात है। सो इसको फिंगर टिप्स पे लेके आना, पॉलीसेक्राइड कैप्सूल, एंडोटॉक्सिन, एंटरटॉक्सिन और एंजाइम्स। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट रिसीव्ड एन इम्प्रॉपरली लेबल्ड सैंपल दैट रिजेंबल्स सम काइंड ऑफ फ्लूइड एंड सोर्स इज अननोन। ग्राम स्टेनिंग रिवील्स दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फ्लूइड इज फिलामेंटस ग्राम पॉजिटिव। सो हमें क्लू मिल गया, कीवर्ड्स हमें मिल गए, फिलामेंटोस है, ग्राम पॉजिटिव है। आसानी से हम पता लगा सकते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म है। फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन, लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट्स, इजीली पता चल जाएगा। और ये अगर आपने देखना है बुक से, तो ये चैप्टर नंबर 22 है, पेज नंबर 194 है। और टेबल अगर आपने देखना है जिसमें इसका आंसर है, डेट इज़ 22 बाई 1, 22.1 टेबल है। तो कौन से बैक्टीरिया नोकार्डिया और एक्टिनोमाइट्स हैं, जिसमें एक्टिनोमाइसिस इसराइली है और नोकार्डिया नोकार्डाइटिस जो काज करता है वो है। और इन दोनों के डिफरेंस भी का पूछा गया, जो उस टेबल में मेंशन है। एक्चुअली इनके ना डिफरेंस जो पूछे गए हैं, वो पूछे गए हैं लैब के अंदर कौन से हैं। तो हमने ये स्पेसिफाई कर लेना कि हमने कल्चरल डिफरेंसेस को बताना है यहाँ पर। वैसे तो उस टेबल में सारा पढ़ लें, डैट्स वेरी गुड। उसमें सारा का सारा चैप्टर कवर हो जाता है उस टेबल से, 22.1 से। उसमें से ये एक पॉइंट जो है वो हाईलाइटेड यहाँ पर। और इसके लिए जो की निमोनिक है या की वर्ड है आंसर के लिए, नो कार्डिया और एक्टिनोमाइस के लिए, के ए एक्टिनोमाइस में ए और एन ए के बाद एन आ रहा है, यानी कि आप चेक करें थोड़ा सा, एक्टिनोमाइसिस। तो इससे हम ये इसको लेबल लगा सकते हैं कि ये एन एरोबिक है, प्योरली एन एरोबिक, ए एन की वजह से। लेकिन अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, एरोबिक। तो नोकार्डिया जो है वो एरोबिक है और ये एनएरोबिक है, और बाकी सारे डिफरेंसेस इसी बेस्ड के ऊपर है। सो चेक करते हैं, नोकार्डिया सिंग ब्रांचिंग फिलामेंटस टॉवर्ड्स दैट ग्राम पॉजिटिव और वीकली एसिड फास्ट होता है। जो एरोबिक होते हैं वो वीकली एसिड फास्ट होते हैं, हमें इसका पता है। और एरोबिक ग्रोथ है इसकी बैक्टीरियोलॉजिक मीडिया इन फ्यू डेज, ये जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब एक्टिनोमाइसिस का हमें पता चल जाएगा कि इसका डिफरेंस होगा, और इसके अंदर एक स्पेशल पॉइंट है, डैट इज सल्फर स्टेनिंग। आई थिंक यहाँ पे इसका मेंशन होगा, एक पढ़ लेते हैं, सीइंग ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग रॉड्स स्पेशली द प्रेजेंस ऑफ सल्फर ग्रेन्यूल्स, पहला ही पॉइंट है। दूसरा के है ये जो पस ड्रेन कर रहे होते हैं ना, उसमें से ये एनएरोबिक कंडीशन में निकलता है, ये उस टेबल में मेंशन है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म इम्यूनोफ्लुएंस या फ्लोरेसेंस से आइडेंटिफाई होता है। ये नॉर्मली आइडेंटिफिकेशन इसकी नहीं होती, और इस वजह से इसका सीरोलॉजिकल टेस्ट भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इफ सैंपल वर ड्रेन फ्रॉम ओरल एब्सेसेस, विच टू ऑर्गेनिजम्स आर मोस्ट लाइकली एंड वाई। अगेन टेबल 22.1 है, उसके अंदर ये मेंशनड है कि ओरली जो प्रेजेंट होता है वो एक्टिनोमाइट्स होते हैं, एक्टिनोमाइसिस इसराइली। और इसके साथ अगर हम थोड़ा सा और सोचें, तो हमने पूरी बैक्टीरियोलॉजी पढ़ी हुई है, उसमें से एक और ओरल एब्सेस से हमने बताना है, तो कोई भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। प्रेटोवेला, प्रेवोटेला, मिलेनजियोजेनिका यहाँ पे गिवन है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। लेकिन एक्टिनोमाइसिस इसराइली हमने भी पढ़ लिया, तो ये एक हाफ नंबर यहाँ से हमें मिल जाएगा इजीली। तो नेक्स्ट चलते हैं, और ये नॉर्मल फ्लोरा है। और जब ये वाला एक पूरा टेबल है जनरल बैक्टीरियोलॉजी में, वहाँ से ये अगर हम कर लेंगे कि नॉर्मल फ्लोरा कौन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, तो इजीली ये हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस 7-year-old गर्ल इज़ ब्रॉट टू पीडियाट्रिक एमरजेंसी विद फीवर है, 101.5 फॉरनहाइट, सोर थ्रोट है, मलेसी है और डिस्पिनिया है, शी हैज़ एन इन कंप्लीट वैक्सीनेशन हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जाम। यहाँ पे मिलेंगी हमें कीवर्ड,
सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है विद एंड वाइटिश मेम्ब्रेन कवरिंग मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फेरेंक्स. वाइटिश मेम्ब्रेन कवरिंग तो कॉमन क्वेश्चन है और बड़ी दफ़ा आया हुआ है. सूडो मेम्ब्रेन है कौन सा होता है, ये हमने इवन इंग्लिश में भी पढ़ा हुआ है. फर्स्ट अगर हम FSC में जाएं तो उधर से भी हम याद कर सकते हैं. मैं इसलिए चीज़ें रिलेट कर रहा हूँ ताकि जो चीज़ें हमारी परमानेंट मेमोरी में है उससे हमें बड़ी जल्दी चीज़ें याद आ जाती हैं. सो द आंसर इज डिप्थेरिया. यस यू आर राइट, आपने बिल्कुल सही आंसर किया. डिप्थेरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया ही इसका आंसर है जो इसका कास्टिव एजेंट है. और व्हाट डज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ डज दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज दिस प्रेजेंटेशन. सो इसकी ना लेविंसन में मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ डिप्थेरिया के लिए. आई थिंक कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया मुझे पेज नंबर एग्जैक्ट अभी पता नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, इजीली मिल जाएगा. वहाँ पे ये लेविंसन की लाइंस हैं जो वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट की हुई हैं. सो दो इंपॉर्टेंट हैं, उधर और भी गिवन है. एक है ADB राइबोसाइलेशन करवाता है ये EF2 यानी इलोंगेशन फैक्टर 2 की, जिसकी वजह से ये होता है. ये इलोंगेशन फैक्टर 2 हमने ये जेनेटिक्स में पढ़ा था, बायोकेमिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस में. अगर इसकी इलोंगेशन करवा राइबोसाइलेशन करवा देगा तो वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी. प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो सारा का सारा मैकेनिज्म ही ख़राब हो जाएगा. और इससे ये होता है कि जो डिफ्थेरिया टॉक्सिन है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक सब यूनिट होता है, एक बी सब यूनिट होता है. ये अटैच जो होता है वो बी सब यूनिट से होता है, और जो इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है या कैटलिटिक एक्टिविटी होती है वो ए सब यूनिट से हो रही होती है. और ए सब यूनिट ही ADP सब राइबोसाइलेशन करवा रहा होता है और यहाँ पे उसको इनएक्टिव कर देता है. इसके अलावा जो है ये जो मेम्ब्रेनस सूडो मेम्ब्रेनस वाइटिश काज करता है, किस तरह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन काज करवा देता है. वाइट वाइटिश सूडो मेम्ब्रेनस, ये इसकी एक करेक्टरिस्टिक भी है और ये मेंशन्ड भी है वहाँ पे, इसको ही रिपीट किया गया. ग्रोथ क्या है, ग्रोथ मीडियम क्या है इस बैक्टीरिया की, वो हम देख लेते हैं. बड़े ईजी हैं जो कि इसके लिए स्पेसिफिक हैं. वहाँ पे बुक में तीन है, यहाँ पे दो मेंशन्ड है, आप तीन भी लिख सकते हैं. लूफर सीरम मीडिया और ब्लड टेल्यूराइड एगर. ये स्पेसिफिक कुछ ग्रोथ हैं मीडिया के लिए, इन कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ हैं, बाकियों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, ये इनको याद करना ज़रूरी है हमारे लिए. लोफर सीरम मीडिया जिसमें ये स्मॉल वाइटिश ग्लिस्टरिंग क्लूनीज की फॉर्म में नज़र आ रहा होता है. ब्रेड टेल्यूराइड एगर में ये ग्रे अपीरेंस शो कर रहा होता है. नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है. 32 ईयर ओल्ड वुमेन फ्रॉम सिंध प्रेजेंट्स टू डर्माटोलॉजिस्ट. आप लोग कोशिश करें कि खुद इसका आंसर कमेंट में लिखें, पहले से आंसर करें. अगर गलत होगा तो अभी करेक्शन भी हो जाएगी और इंशाल्लाह दोबारा से गलती के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे. सो 32 ईयर ओल्ड वुमेन सिंध से प्रेजेंट करती है डर्माटोलॉजिस्ट के पास, उसको वाइट स्पॉट्स नज़र आते हैं बॉडी के ऊपर. और उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन क्या शो करती है कि हाइपोपिगमेंटेशन है बॉडी के ऊपर. ये हमारा कीवर्ड है, हाइपोपिगमेंटेशन. द लियंस आर शार्पली डिमार्केटेड विद रेज्ड एरिथेमाटोसिस बॉर्डर्स एंड एट्रोपिक स्केली सेंटर्स. द लियंस आर एनेस्थेटिक, ये भी कीवर्ड है, इसी तरह बुक में गिवन है सिनेरियो. एनेस्थेटिक एंड हेयरलेस, बिल्कुल इसी तरह गिवन है. बायोप्सी जब की जाती है तो ग्रैनुलर फॉर्मेशन नर्व्स की मिलती हैं. कौन सी डिजीज है उसको और क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अगर हम सोचें तो ये बुक में बुक की लाइंस हैं. चलें चेक कर लेते हैं हम, आप लोगों का आंसर ठीक है. डैट इज़ लेप्रोसी. और लेप्रोसी के लिए इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड है वो है आर्माडिलोज और माइस. ये एक्चुअली किसी भी और किसी भी ब्लड कल्चर में ग्रो नहीं कर सकता है, ये इसकी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है. सो इंशाल्लाह ये आगे हम पढ़ेंगे भी. तो इसके लिए जो जानवर यूज़ हुआ है वो स्पेसिफिक है इसके लिए. आर्माडिलोज वो नॉर्मली पाया भी नहीं जाता डिफरेंट. और ये अगर और इसको इंटरेस्टिंग बनाना तो बेंटन का एक एलियन भी था आर्माडिलो, वहाँ से भी याद कर सकते हैं. सो इसके इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिजम्स. ये क्या काज करते हैं, लेप्रोमिन टेस्ट पॉजिटिव. ऑब्वियसली लेप्रोसिस काज करता है तो लेप्रोमिन टेस्ट पॉजिटिव होगा. और ये आर्टिफिशियल मीडियम में नहीं कर सकता ग्रो. इसके अलावा ये स्लोएस्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया ह्यूमन का, ये इसको टैग मिला हुआ है, ये इसके पास है अचीवमेंट. ये दुनिया में ह्यूमन बैक्टीरिया है, वो ह्यूमन बैक्टीरिया जो स्लोवेस्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया है, जो
डबलिंग, जिसका डबलिंग टाइम 14 डेज में होता है कंप्लीट। इसके अलावा इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है 30 डिग्री, तो इस वजह से ये स्किन के ऊपर ही ग्रो कर सकते हैं, अंदर नहीं ग्रो कर सकता हमारी स्किन के। क्यों? क्योंकि अंदर जो है वो ब्लड में या डिफरेंट मसल्स में 37 टेम्परेचर होता है तो डिग्री, तो उधर तो ये टेम्परेचर इसको मिलेगा नहीं, तो इस वजह से ये स्किन के ऊपर रह के ग्रो करता है। नेक्स्ट जो है वो हाउ डज पेशेंट्स कंडीशन डिफर फ्रॉम द मोर सीरियस। एक्चुअली ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी बुक का ही टेबल है, आई थिंक पेज नंबर है 191, टेबल है 21.4, चैप्टर है 21, ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी और लेप्रोमेटोस लेप्रोसी। तो इसको हम पढ़ने से पहले मैं इनके कीवर्ड्स बता देता हूँ, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका बताता हूँ। जो ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी है ये एक लाइट वर्जन है लेप्रोसी का, और लेप्रोमेटोसिस लेप्रोसी जो है ये इसका हैवी वर्जन है या फिर ज़्यादा पोटेंट वर्जन है। सही, तो हमने इन्हीं की बेसिस के ऊपर जो चीज़ें ट्यूबरकुलाइड में नहीं होंगी वो अगले वाले में होंगी, ज़्यादा सुवेरिटी अगले वाले में होगी, लियंस ज़्यादा लेप्रोमेटोस लेप्रोसिस में होंगी, और उसकी जो फैलने की पावर है वो भी ज़्यादा लेप्रोमेटोसिस लेप्रोसिस में होगी, और इसको इसको जो बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा किसको किसके खिलाफ काम करेगा, ट्यूबरकुलॉइड के खिलाफ काम करेगा, यानी लेप्रोमेटोसिस उसका बड़ा वर्जन है तो उसके खिलाफ नहीं करेगा। तो ये हमने खुद ही बना लिए हैं ऑलमोस्ट। अब हम इसको चेक कर लेते हैं और अपना इसको सॉलिडिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले है लियंस, इसकी वन और फ्यू लियंस हैं और इसकी बहुत सारे लियंस हैं, सो हमने ये पहले कर लिया। दूसरा ये है कि फ्यू एसिड फास्ट बैसिलाई होते हैं, कुछ इसके एसिड फास्ट होते हैं और इसके अंदर मैनी एसिड फास्ट बैसिलाई होते हैं, ये भी हमें पता चल गया। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इसका प्रेजेंट होता है, इसका प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया कि सेल इसके खिलाफ वो बॉडी के खिलाफ रिस्पॉन्स नहीं कर सकती, काफ़ी हैवी है ये। लेप्रोमिन टेस्ट स्किन पॉजिटिव टेस्ट, ये पॉजिटिव होता है लेकिन ये नेगेटिव होता है क्योंकि ये हाई है, ये काबू नहीं आता। इसके बाद ये वाला एक्स्ट्रा पॉइंट है, बुक मैंने लिखा हुआ है, आप इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, वैसे बता देता हूँ। नर्व इन्वॉल्व जो होती हैं इसमें एसिमेट्रिकल होती हैं, और इसमें लेट होती हैं और सिमेट्रिकल होती हैं। नॉन इन्फेक्टिव है ये, और ये हाईली इन्फेक्टिव फॉर्म है, ये स्टार्ट ही हमने यहाँ से किया था। ग्लोमेरुलर फॉर्मेशन कॉमन है इसमें, और इसमें ग्लोमेरुला भी नहीं बनता, ग्रेनुलोमा भी एबसेंट होती है इसमें। इसमें लिम्फोफैटिक इन्फिल्ट्रेशन भी होती है और इसमें नहीं होती। नेक्स्ट हम चलते हैं के क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 है सप्लीमेंट्री 2019 का क्वेश्चन है ये, 60 ईयर। इसको भी कोशिश करनी है हमने कि पहले खुद आंसर करें फिर इसका आंसर रिवील करेंगे। 60 ईयर ओल्ड वुमेन हैज़ रैपिड ऑनसेट ऑफ फीवर टू 39 डिग्री सेल्सियस एंड कॉफ प्रोडक्टिव ऑफ ग्रीनिश स्पूटम, शी इज़ नॉट इम्यून कम्प्रोमाइज्ड ए चेस्ट, एक्सरे रिवील्स ए लेफ्ट लोबार इनफिल्ट्रेट। और ये मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगा था, सारे पास पेपर्स में मुझे सबसे ज़्यादा ये इस वजह से डिफ़िकल्ट लगा था क्योंकि इसमें कोई कीवर्ड नहीं मिला, और लेविंसन में ग्रीनिश स्पूटम अलग से नहीं लिखा। अगर आप लोगों को ग्रीनिश स्पूटम का अलग से पता है कोई टेबल जिसमें स्पूटम के से स्पेसिफाई किया हुआ बैक्टीरिया को, लाजमी आप मैंशन कीजिए ताकि बाकियों की हेल्प हो सके। मुझे खुद भी इस टेबल चाहिए लेकिन मुझे मिला नहीं। ग्रीनिश स्पूटम मैंने जब नेट से चेक किया तो मुझे तब पता चला कि कुछ ही बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये होते हैं, तो उसे मैंने गैस लगा लिया कि ये जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ही हो सकता है जो कि लेफ्ट बार इन्फिल्ट्रेट से भी मिलता जुलता है। सो ग्राम स्टेनिंग से हमें पता चलता है कि ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, और इसमें कौन कौन से एगर्स हैं वो हमें पता है, जो बुक में लिखे हुए हैं वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसके लिए स्पेसिफिकली एगर्स मैंशन है। चॉकलेट एगर इसके लिए है, चूँकि ये नाम ही बड़ा यूनिक है चॉकलेट, तो इस वजह से इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती। लेविंथल्स एगर ये एक न्यू एगर है और इसके लिए याद करना ज़रूरी है। ब्लड एगर पे ये ग्रो कर सकता है। इसके अलावा एक इसका जो फैक्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो एक्स और वी फैक्टर है जिसको ग्रो करने के लिए चाहिए होता है, वो अगर नाम मिले नहीं मिलेगा तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ग्रो नहीं कर सकता। और ये एमसीक्यूज में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ, और जनरल सॉरी स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी में सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, 14 एमसीक्यूज हैं इसमें और एक एससीक्यू है,
तो ये जो हम एसिक्यूज कर रहे हैं अभी, इनमें से ही मैक्सिमम एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं इंशाल्लाह। तो एक्स एंड वी फैक्टर इसको जो रिक्वायर्ड होता है वो आरबीसीज की लाइसिस के लिए चाहिए होता है, और यही इसका की वर्ड एक्चुअली जो लेमिनसन में गिवन है, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम इस वजह से कंफ्यूज हो गए थे, मैं कंफ्यूज हो गया था इस वजह से। हम नेक्स्ट चलते हैं लेविनथल्स। एगर जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है और उसके उसके अंदर ये ग्रो करता है, स्टेफोरिस है उसके साथ ये ब्लड एगर में ग्रो कर सकता है, अगेन इस ये प्रोड्यूस करता है वी फैक्टर और एक्स फैक्टर। अगेन हम चलते हैं कि इसके विरुलेंस फैक्टर्स बुक में बहुत सारे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे ना बहुत शॉर्ट लिखे हुए हैं, मैं आपको भी ये प्रेफर करूँगा कि यही याद कर लें, वो इतने लंबे जो है ना उनके लिए ये कीवर्ड्स हैं यानी कि हेडिंग्स हैं, आप उनकी डेफिनेशंस आगे डिटेल्स वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये भी कर लेंगे तो डेट्स इनफ। कैप्सूल पॉलीसेक्राइड जो है वो करेगा फेगोसाइटोसिस को रेजिस्ट, पिलाई जो है वो हेल्प करेगा अटैचमेंट में, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो एडिशन और इन्वेजन में काम देंगी, IgA प्रोटीएज जो है वो IgA क्लीव करेगा, और ये इसका इंपॉर्टेंट MCQ भी है, कौन सा एंटीबॉडी ये क्लीव करता है, IgA एंटीबॉडी। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, ए फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिसेंटली रिटर्न होम फ्रॉम ट्रिप टू पाकिस्तान आफ्टर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट टू IDPs ऑफ पाकिस्तान गोज टू फिजिशियन कंप्लेनिंग परसिस्टेंट विद हाई फीवर मलेसी है कॉन्स्टिपेशन है दैट परसाइडेड फॉर अ वीक, शी रिकॉल्स दैट अ फीवर बिगेन स्लोली एंड देन वेंट अप 41 डिग्री, और फिजिकल एग्जामिनेशन उसकी रिवील करती है स्प्लीन एनलार्ज है और टेंडरनेस है एबडोमन में विद रोज रेड स्पॉट, और यहाँ से मैं क्लू मिल गया, ये बुक की लाइन है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ जहाँ पे ये गिवन है, दैट इज चैप्टर 18 पेज नंबर 157 लेमिनसन, जहाँ पे रोज स्पॉट लिखा हुआ आई थिंक, और यहाँ पे भी वही वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन उसका मतलब यही है। तो उसके साथ एनलार्ज स्प्लीन भी लिखा हुआ है, और इसके साथ ये दो जो है मेंशन है, तो ये हमारे की वर्ड्स हैं, ये कौन सी हैं हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब हमें पता चल गया ये की वर्ड्स का तो ये हम आसानी से लगा सकते हैं। सेल्मोनेला टाइफीज की डिफरेंट टाइप्स लिखी हुई हैं, लेकिन एक टाइप में एक टाइप डायरिया काज कर रही होती है और एक बिल्कुल ऑपोजिट उसकी कॉन्स्टिपेशन काज कर रही होती है, टाइफी जो है ये कॉन्स्टिपेशन काज कर रही होती है, यहाँ पे जो कॉन्स्टिपेशन है ना ये भी एक कीवर्ड है। ठीक है तो कौन सा ऑर्गेनिज्म हमने फिर कंक्लूड किया, सेल्मोनेला टाइफी। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके सिर्फ एनलिस्ट करने नेम और इसकी डिटेल बुक में गिवन है वहाँ से हम कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर ये भी कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी डिटेल हम खुद भी ऐड कर लेंगे तो ये कल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले माइक्रोस्कोपी से ये नज़र आ जाता है आराम से, कल्चर में दो कल्चर्स हैं, ब्लड कल्चर और बोन मैरो कल्चर जो कि इसके लिए यूज़ होते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट के नीचे चार गिवन है, इसमें आई थिंक दो बुक में लिखे हुए हैं, ये दो एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर। तो TSI मीडियम यानी TSI एगर के ऊपर ग्रो कर सकता है, यही काफ़ी है। इसके बाद इंडोल प्रोडक्शन जो बुक में लिखा हुआ है ये, और ये बाकी दो जो हैं ये एक्स्ट्रा हैं, सीमोन सिट्रेट मीडियम मिथाइल रेड टेस्ट, ये ना भी आप लिखते हैं या ना लिखें हम तो कोई मसला नहीं। सीरोलॉजिकल टेस्ट में वाइडल टेस्ट गिवन है बुक में, और रैपिड स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट भी, इसका थोड़ा सा जिक्र है बुक में, और विरुलेंस फैक्टर्स भी हमें पता होने चाहिए इसके बुक में, बड़े हाईलाइटेड है, लेकिन यहाँ पे भी देख लें तो दो हमें काफ़ी हैं, डैट इज कैप्सुलर VI एंटीजन एंड इन्वेसिव प्रोटीन है। कैप्सुलर VI एंटीजन जो है वो विरुलेंस इंक्रीज कर रही होती है विरुलेंस फैक्टर तो इंक्लू ऑब्वियसली यही करेगी, और इन्वेसिव प्रोटीन नाम से पता चल रहा है कि अलाउज करती है नॉन फैगोसाइटोसिस सेल को ताकि वो इस बैक्टीरिया को इन्वेड कर सकें, अपने अंदर ले सकें और इसको वहाँ पे रहने के लिए जगह दें, तो इनके नाम के से ही हम आराम से इसकी विरुलेंस फैक्टर्स की इफ़ेक्ट्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कंपेयर सेल वॉल और ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बड़ा कॉमन है और ये जनरल बैक्टीरियोलॉजी का हमारे स्पेक्ट्रम से बाहर चला गया, लेकिन इसको हम एक नज़र रिपीट कर लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इस डायग्राम से हमें पता चल जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव के आउटर में, ग्राम पॉजिटिव में देखें तो आउटर में पेप्टिडोग्लाइकन है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है, ये चार चीज़ें हैं टोटल, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है उसमें टोटल पाँच चीज़ें, एक चीज़ उसमें एक्स्ट्रा होती है,
दैट इज लिपोपोलीसेक्राइड आउटर मेम्ब्रेन, और इसके साथ कुछ और भी लिपिड्स होती हैं लेकिन यहाँ पे मेंशनेबल सिर्फ लिपोपोलीसेक्राइड है। उसके बाद पेरिप्लाज्मिक स्पेस इसके बाद होती है, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन के नीचे मेंशनड है और इधर पेरिप्लाज्मिक स्पेस लिपोपोलीसेक्राइड के नीचे है। फिर पेप्टिडोग्लाइकन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म जस्ट लाइक ग्राम पॉजिटिव, ये डिफरेंस है। और इसकी बेसिस के ऊपर ये पूरा टेबल भी है जो कि स्पेक्ट्रम से आउट है, इस वजह से इसको नहीं हम यहाँ पे छेड़ेंगे, इंशाल्लाह इसको जनरल बैक्टीरियोलॉजी में कवर कर लिया जाएगा। इनोमरेट थ्री एनी बैक्टीरियम ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंट डेट कान बी सीन ग्राम स्टेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये स्पेशल में इंक्लूडेड है। और किस तरह से हमें पता चलेगा कौन से तीन बड़े इंपॉर्टेंट बैक्टीरियम है, अगर हम इनके नाम याद कर लें और इनका पता लगा लें कि इनकी क्या स्टेनिंग यूज़ होती है, तो हमारा बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले हमने देखना है, हमने पहले भी मैंने आपको बताया था माइकोबैक्टीरियम था, याद करें। माइकोबैक्टीरियम के लिए जेड एन स्टेन यूज़ करते हैं। आई टोल्ड यू कि ये आगे रिपीट होगा तो वो टाइम आ गया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमने पहले भी देख लिया था कि ये इसके पास माइकोलिक एसिड होती है सेल वॉल में, इस वजह से ये ग्राम स्टेन नहीं हो सकता, इस वजह से जेड एन स्टेन करते हैं। बाकी जो ट्रेपोनिमा है ये इतना थिन होता है, ट्रेपोनिमा पैलेडियम इतना थिन मेजोसिफेलिस काज करता है, तो इसके लिए हमने डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं हम, जो कि इसकी करेक्टरिस्टिक भी है, की वर्ड है इसका। और क्लेमाइडिया और रिकेट्जिया जो है ये एक्चुअली फ्लोरोसेंस यूज़ करते हैं, और इनके पास और इनकी ना स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक बुक में लिखी हुई है, ये डायग्राम्स बनी हुई हैं जिसमें ये मैंशन है कि ये इंक्लूजन्स यूज़ कर रहे होते हैं, इंक्लूजन्स भी और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, इस वजह से ये ग्राम स्टेनिंग दे रहे होते हैं, और इनके डायग्राम से ये क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ईच ईयर 3 मिलियन पीपल डाई ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड 8 मिलियन न्यू केसेस अकर, अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इन्फेक्टेड बाई मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इनोमरेट थ्री इंपॉर्टेंट सेल वॉल, अगेन रिपीट हो गया क्वेश्चन, और ये बार बार रिपीट होता है आगे भी, तो मैंने ज़्यादा रिपीटेशन नहीं की, एक दफ़ा रिपीट हुआ है क्योंकि इसके अंदर हमने एक न्यू फैक्टर पढ़ना है, कॉज फैक्टर। बाकी हमने माइकोलिक एसिड वैक्स डी देख लिया था, इसके अलावा पॉलीसेक्राइड भी देख लिया, लिपोप्रोटीन भी देख लिया था, और अब हमने सिर्फ इसमें ऐड करना है कोड फैक्टर को। कोड फैक्टर जो है इसकी इंपॉर्टेंट जो है वो एडिशन ये है कि इसके ना अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोड फैक्टर का क्या काम कर रहा होता है, तो इसके लिए जो की वर्ड्स हैं आसान तरीका वो ये है कि हमने सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो बना देना, सर्पेंटाइन कोड कास्ट कर रहा होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरे नंबर पे जो भी हमने देखना है ना वो है डिफरेंट इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं इसके, जैसे कि माइग्रेशन करवा रहा होता है, माइग्रेशन को रोक रहा होता है पॉलीमॉर्फ की, यानी कि एक शक्ल जो चेंज कर रहा होता है बैक्टीरिया एक होस्ट में एक से दूसरे होस्ट में जाकर, उसकी जो माइग्रेशन है ना पॉलीमॉर्फ की उसको ये इनहिबिट कर रहा होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है इसका मुझे तो लगा। इसके अलावा क्रोनिक ग्रैन्यूलोमास काज कर रहा होता है, ये इसकी कोड से सी है और सी से क्रॉनिक है, इस तरह याद कर सकते हैं हम। और काज फंक्शनल डैमेज टू टिश्यू रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, तो ये भी एक न्यू फीचर है, डेट्स अ न्यू थिंग। और यहाँ पे जो है ना कैचेक्सिया जो है ना कैचेक्सिया एक्चुअली जितनी भी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है ना टिश्यू की उसको बोलते हैं, और उसके लिए ये कैचेक्सिन प्रोटीन जो होती हैं या वो पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनकी सिंथेसिस को इंड्यूस कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली ये बड़ा डैमेजिंग फैक्टर है कोड फैक्टर, और इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, वन बाय वन इनको फंक्शंस को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें इंटरेस्टिंग लगेंगे और ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, ये फर्स्ट भी क्वेश्चन आया था उसमें भी हमने ये थोड़ा सा जिक्र किया था MDR स्टेन के बारे में, जब हमने डॉट ड्रग थेरापी के बारे में हमने पढ़ा था ना ड्रग, उसमें भी हमने ये MDR स्ट्रेन का जिक्र किया था। और इसकी अगर डेफिनेशन की जाए तो ट्यूबरक्लोसिस में दो मेन ड्रग्स हैं आइसोनियासिड और रिफेम्पिन, इसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस बनती है उसको बोलते हैं MDR, क्योंकि ये जो दो एंटीबायोटिक्स हैं ये ही मेन फर्स्ट लाइन ऑर्डर ड्रग्स भी हैं ट्यूबरकुलोसिस की, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स हैं, अगर इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बन गई तो समझ लें कि बैक्टीरिया को फिर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और ये MDR किस तरह से बनती है वो क्वेश्चन पूछा उन्होंने, मैकेनिज्म कौन कौन से हैं,
हम खुद भी सोच सकते हैं हमने कितनी बार माइकोलिक एसिड का पढ़ लिया है। सेल वाल में कौन कौन से कम्प्लेक्स, सेल वाल के लिहाज से हम चेक करें तो इसके पास माइकोप्लाज्मा के पास डिफरेंट लिपिड्स होते हैं जो कि बैरियर पास करते हैं। इसके अलावा इसके पास ड्रग मॉडिफाइंग एंड इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स होते हैं। ये हमने फार्मा में भी मैकेनिज्म्स पढ़े हुए हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं सिंक्रोनाइज करके और ख़ुद से भी अभी बना लेते हैं। ये एंजाइम जो है उनको इनएक्टिवेट कर देती है, जैसे कि फोस्फोलाइलेट, एसिटाइलेट और एडिनाइलेट जो है ना, वो वाले एंजाइम्स जो होते हैं ना इसकी, उनको ये इनएक्टिवेट कर देती है। उसके बाद ये म्यूटेशंस हो जाती हैं बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट तरह की, और ड्रग इन्फ्लक्स सिस्टम एक्टिव हो जाता है, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो ड्रग जा रही होती है उसको वो फ़ौरन वापस निकाल देता है। इसके अलावा ब्लड पुअर एंड और नॉन कम्प्लाइंस, यानी कि जो बॉडी है वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं शो कर रही होती ड्रग के साथ, बॉडी का सिस्टम ही ऐसा इस्टेब्लिश नहीं होता। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रगल नहीं कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं उनकी अपनी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर लाजमी पड़ता है और उसको ड्रग भी को भी टाइम लगता है उसकी एक्टिविटी को एडजस्ट करने में। सो दिस इज़ पुअर और नॉन कम्प्लाइंस। नेक्स्ट 2010 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ए 20 ईयर ओल्ड पठान बॉय प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री, मैं इसको छुपा रहा हूँ, प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ फीवर, वाइट लॉस, वेट लॉस, मल्टीपल न्यूडियोज ओवर फोरमन एंड डार्क डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ऑन एग्जामिनेशन, माइल्ड स्प्लीनोमेगैली है, सीबीसी रिवील्ड एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो दिस इज अगेन आउट ऑफ स्पेक्ट्रम, ये पैरासिटोलॉजी में से क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर वैसे बता देता हूँ। डेट इज़ ब्लैक सिकनेस और काला आजार डिजीज़ कहते हैं इंडियन ओरिएंटेटेड टर्म्स के अंदर, और एल ये डोनोवी डोनो वेनाई है इसका वर्ड, इधर डिनो लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर सकते हैं आप, तो इंशाल्लाह ये पैरासिटोलॉजी में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 20 ईयर 25 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट्स टू द गायनी वार्ड फॉर वर्क अप टू हर इनफर्टिलिटी, पेल्विक अल्ट्रासाउंड एंड हाइपर सेल पेनजियोग्राफी। सो दिस इज़ द की वर्ड हेयर, हाइप सॉरी हिस्टेरियो सेल्पेंजियोग्राफी, रिवील्ड बाई लेटर फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेड स्मॉल न्यूड्यूल ऑन पेल्विक पेरिटोनियम, में लेप्रोस्कोपिक बायोप्सी की जाती है पेरिटोनियल न्यूड्यूल्स की, शोर्ड कैस्केटिंग ग्रैन्यूलोमेटोस लीजन ऑन हिस्टोलॉजिकल एग्जाम्स। सो वट आर द पॉसिबल काजेज ऑफ इनफर्टिलिटी बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजिकल रिजल्ट इन बायोप्सी। सो ये जो क्वेश्चन है ये कन्फ्यूजिंग है, और मेरा आंसर इनके आंसर से डिफरेंट है। मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूँगा कमेंट में कि आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ क्वेश्चन नंबर 21, इट्स अ सेल्पिंजाइटिस, और ये यूरिनरी सेल्पिंजाइटिस है, सॉरी सेल्पिंजाइटिस, और ये चैप्टर नंबर 16 में एक वर्ड है, और उसके अलावा ये कहीं यूज़ नहीं हुआ हुआ, पेज नंबर 132। सो इसको इंशाल्लाह कवर अप कर लेंगे। इधर जो है ट्यूबरक्लोसिस के में लिखा हुआ है, वहाँ पे ये गनोरिया में लिखा हुआ है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस, गनोरिया सेल्पिंजाइटिस या फिर ट्यूबरक्लोसिस सेल्पिंजाइटिस, दिस इज़ द कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हियर। और अगर ट्यूबरक्लोसिस करेंगे तो उसकी आगे पूछी गई है इन्वेस्टिगेशन किस तरह की जाती है, जो हमने पहले कवर कर लिया है। गनोरिया की करेंगे तो उसकी अलग से इन्वेस्टिगेशन है, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस में कवर अप कर लेंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, 50 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड बाइलेटरल डिफ्यूज इंटरस्टिशियल निमोनिया, ही हैज़ हिस्ट्री ऑफ रीनल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ 2 मंथ बैक फॉर रीनल एंड फॉर एंड स्टेज रीनल डिजीज, वट इज़ मोस्ट लाइकली पैथोजन एंड इट्स का। सो इसका आंसर इसके अंदर ही है, हमें पता चला है इंटरस्टिशियल नमूनिया, जो ई टिपिकल नमूनिया है वो नॉर्मली काज होता है माइकोप्लाज्मा नमूनिया, और यही वो मेजर ऑर्गेनिज्म है जो एसिक्यू में आ सकता है, अदरवाइज तो बाकी नमूनिया ही आते नहीं होते, तो इससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा इसका। सो ये कुछ डिजीज हैं जो उन्होंने पूछी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेविंसन के पेज नंबर 22 का है, पेज उस पे जहाँ पे ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया लिखा हुआ है वहीं पे ही गिवन है ये डिजीज़।
और इसको अगर हम इलामिनेट करें अपनी हेडिंग्स बनाकर, तो इस तरह बनेंगी पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी और न्यूरोलॉजिक डिजीज़। पल्मोनरी डिजीज़ जो हैं वो एक्चुअली पल्मोनरी एटिपिकल नमूनिया और ब्रोंकाइटिस, ये दोनों गिवन हैं बुक के अंदर। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में हमने कुछ अगर सोचें तो ये थोड़ी याद करनी पड़ेंगी, और ऑर्गन ऑर्गन रिलेटेड भी डिजीज़ हैं, यानी कि अगर हम सोचें कि कार्डियक रिदमियाज वो हार्ट से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड हीमोलिटिक एनीमिया है, जॉइंट से रिलेटेड अर्थरेलजिया है, और ब्लड से रिलेटेड रिनॉर्ड फिनोमिनन है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है एक, और अरिदमा मल्टीफॉर्म भी थोड़ा आरबीसी से रिलेटेड है। न्यूरोलॉजिकल जो है वो गुलेन बैरी सिंड्रोम है, गुलेन बैरी सिंड्रोम नॉर्मली यूज़ नहीं हुई लेकिन मेंशन की जा सकती है। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 23 पर। डायग्नोस ऑफ सेप्टिसीमिया कैन कुड शुड बी कंसिडर इन पेशेंट हु आर एट हाई रिस्क ऑफ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कास्ट कैंडिडेट टू लोकल डिजीज सच एज यूटीआई और नमोनिया, इनोमिनेट द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ सेप्टिसीमिया। हमें पता है कि कहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही बैक्टीरिया में इसका ज़्यादा जिक्र है, बल्कि जिक्र ही वहाँ पे है, तो हमें कीवर्ड वहाँ से मिल जाएगा कि वहाँ पे स्टेफाइलोकोकस की बात की जा रही है। सो इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स अगर हम थोड़ा सा सोचें तो ये हम खुद भी बना सकते हैं जैसे कि पहले बनाए थे। तो बहरहाल यहाँ से देख लेते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो हमने पहले पढ़ लिया था, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड वही सेम चीज़ है, दोबारा रिपीट, डिक्रीज कम्प्लीमेंट लेवल ये भी वही चीज़ है, डिमिनिश फैगोसाइटिस एक्टिविटी, ये एक ही चीज़ को 4 दफ़ा डिफरेंट एंगल से डिफाइन किया है, तो ये ट्रिक होती है एग्जामिनर को खुश करने की। डायबिटीज़ अगेन न्यू मेरे लिए, हर एक में न्यू आ जाती है। स्फियर न्यूट्रोपिनिया और इंट्रावीनस ड्रग एब्यूज़ है, एज ज़रूर आएगी, एक्सट्रीम ऑफ एजेस में यू होती है। इम्यूनो सुप्रेसिव थेरापी अगेन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वो अगेन वही चीज़ है। स्प्लीनेक्टोमेटाइज पेशेंट्स हेपेटिक फेलियर्स में होती है, मेलिनोमा एप्लास्टिक एनीमिया में ये होती है। नेक्स्ट चलते हैं, गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ क्लिनिकल सेप्टिसीमिया। सो इसके जो निमोनिक हैं, कीवर्ड्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ा इजी है इसको याद करना। सेप्टिसीमिया में एब्डोमिनल सेप्सिस जो है, पेट का सेप्सिस जिसको पेरिटोनाइटिस कहते हैं, जहाँ पर भी पेरिटोनाइटिस आएगा उसमें आप ये हमारे पास बैक्टीरिया आएंगे 3, इसको कहते हैं पाकिस्तान ई कोलाई, इसका जो कीवर्ड है पाकिस्तान ई कोलाई निमोनिक कह सकते हैं। पाकिस्तान का मतलब पी फॉर प्रोटियस, पी फॉर सुडोमोनास, के फॉर क्लेबसेला, और ई कोलाई, ई कोलाई मतलब पाकिस्तान ई कोलाई। नेक्स्ट हम चलते हैं गायनोकोलॉजिकल सेप्सिस, जिसको प्लूरल सेप्सिस और पेल्विक एब्सेस भी कंसिडर किया जाता है। सो इसके लिए जो वर्ड है वो BCF है, वैसे तो ABCDEF होता है, लेकिन एक लाइन में अगर हम पढ़ें बैक्टीरियोइड ई कोलाई और फ्यूजोबैक्टीरियम, तो ये एक लाइन में आ जाते हैं, बैक्टीरियोइड्स ई कोलाई और फ्यूजोबैक्टीरियम, तो इजीली हो जाता है। ग्राम नेगेटिव जितने भी हैं वो हम वैसे ही लिख सकते हैं, वोन्स एब्सेस के लिए। अब ये जो है निमोनिया कैरियड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके लिए जो निमोनिक है डेट इज पाकिस्तान ही इन्फ्लुएंजा, और यहाँ पे जो पी है वो थोड़ा सा चेंज है, नमोनिया पहले ऊपर प्रोटियस या सुडोमोनास था, यहाँ पे नमोनिया, के फॉर क्लेबसेला है जो ऊपर यूज़ हुआ था, और इन्फ्लुएंजा वही है पाकिस्तान इन्फ्लुएंजा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, तो सेप्टिसीमिया और सेप्टिक शॉक में क्या डिफरेंस है। अगेन बड़ा ही एक ऐसा क्वेश्चन जो हम खुद भी बना सकते हैं इजीली, मैं खुद बनाऊंगा और आप लोग भी बनाएं। सेप्टिसीमिया एक्चुअली इसको ब्लड पॉइजनिंग भी कहते हैं और इसको ब्लड इन्फेक्शन भी बोलते हैं, और सेप्टिक शॉक जो है वो ब्रेन से रिलेटेड है जिस तरह बाकी शॉक्स होते हैं। इस तरह सेप्टिसीमिया जो है वो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा सुवियर नहीं है, और सेप्टिक शॉक ज़्यादा सुवियर है, इसमें मोलेरिटी यानी डेथ रेट्स ज़्यादा होते हैं, सेप्टिसीमिया में डेथ रेट्स कम होते हैं, डेट आर द मेन डिफरेंसेस। चेक कर लेते हैं, सेप्टिसीमिया इज़ द नेम गिवन टू ब्लड ब्लड इन्फेक्शन टिपिकली कास्ट बाय बैक्टीरिया, सेप्सिस इज नॉन एज द ब्लड पॉइजनिंग बैक्टीरीमिया भी कहते हैं और उसको सेप्टिसीमिया भी कहते हैं, और इसके लिए जो कंडीशन यूज होती है वो है सिस्टम, ये ब्लड में होती है और सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सेप्टिक शॉक जो है ये कंडीशन तब होती है जब अनकंट्रोल्ड सेप्सिस होती है, और ब्लड में ब्लड का जो इन्फ्लुएंस है जो कि जो इन्फेक्टेड ब्लड है वो जब ब्रेन में जाता है तो उसकी वजह से होती है। तो इसके साइड इफेक्ट्स कौन से हैं, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया और मेंटल स्टेटस
खराब हो गया। इसके बाद वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, जैसे मैंने बताया कि ये सीवियर है तो वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी और लाइफ थ्रेटनिंग है और इसके लिए इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है, अदरवाइज डेथ कॉज हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूटीआई इज इम्पोर्टेंट इन डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजिस्ट लैब एज वेल एज यूटीआई आर कॉमन इन्फेक्शन इन कम्युनिटी नेम। जैसे कि आपसे पहले जिक्र किया था कि यूटीआई की जिस तरह के इन्फेक्शन हैं, इनके राउट्स होते हैं, तीन रास्ते होते हैं यूटीआई के लिए, वो कौन से रस्ते हैं वो हम अब देख लेते हैं, और इसके थ्रू कौन से बैक्टीरिया आते हैं वो भी देख लेते हैं। असेंडिंग राउट, असेंडिंग राउट का मतलब है कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसके थ्रू ये ऊपर आते हैं, यूरिनरी ट्रैक तक वापस आते हैं, तो इस वजह से इसको असेंडिंग राउट कहते हैं, नीचे से ऊपर आने को। सो इसमें जो बैक्टीरिया मेन है वो ई कोलाई है, बाकी सारे जो हैं वो मेन जो समझ लें जो रिप्रेजेंटेटर है इधर का, सी जो सी आर है क्लास रिप्रेजेंटेटर है इधर, वो ई कोलाई है, बाकी एंटेरोबैक्टर स्टेफाइलोकोकस है, और स्टेफाइलोकोकस भी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि एक जगह स्टेफाइलोकोकस है और दूसरी राउट में स्टेफाइलोकोकस है, स्टेप्टोकोकस है, सॉरी दोनों में स्टेफाइलोकोकस ही है, आई थिंक मुझसे मिस्टेक हुई है। तो नेक्स्ट चलते हैं हिमेटोजेनिस राउट स्टेफाइलोकोकस ओरिस ही है, ओरियस ही है, दोनों में स्टेफाइलोकोकस ही है, तो ये कॉमन है, इस तरह भी याद हो जाएगा। तो इसमें जो है ना वो ब्लड के थ्रू बैक्टीरिया आ रहा होता है, किसी इंजेक्शन में या जख्म लगा है वो उनके थ्रू आ रहा होता है। लिम्फेटिक राउट जो है वो किसी लिम्फ नोड के थ्रू या न्योप्लाज्मिया या न्योप्लेजिया के थ्रू आ रहा है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्टेराइल यूरिया, यूरिया जो है भाई, यूरिया भी बोलते हैं इसको, यूरिया भी सिंपल बोलते हैं अकॉर्डिंग टू योर वो क्या वो प्रोनंसिएशन, तो आप यूज़ कर सकते हैं स्टेराइल यूरिया, यहाँ पर यूरिया जो है वो एक्चुअली ऐसा यूरिया प्रोड्यूस होता है पेशेंट में जो कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स आ रहे होते हैं, कोई बैक्टीरिया नहीं आ रहा होता है। और नॉर्मली ये जब जंग लगी होती है ड्रग और बैक्टीरिया के दरमियान, तो जो हमारे फौजी मारे होते हैं यानी ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स, तो उनका जो इखराज हो रहा होता है यूरिन के थ्रू, उस वजह से इस बैक्टीरिया इस यूरिन को स्टेराइल पी यूरिया का इस कंडीशन को स्टेराइल पी यूरिया कह देते हैं। और ये नॉर्मली जो कंडीशन होती है रीनल ट्यूबरक्लोसिस उसमें हो रहा था, क्योंकि वो किडनी से जितने भी हमारे तो डायरेक्ट यूरिया वो यूरिन का पार्ट बन रहे होते हैं। सो कौन कौन से काजिज हैं, जितने भी यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड हैं वो सारे इसके काजिज हो सकते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन्स देख लेते हैं, आसानी से पता चल जाएगा। यूरिटर से हमें पता चलेगा यूरिटेरिक स्ट्रिक्चर्स, ठीक है, फिर हम देख लें किडनी से हमें पता चलेगा पॉलीसिस्टिक किडनी, ब्लेडर से हमें पता चलेगा ब्लेडर ट्यूमर्स, और ये दो न्यू हैं ये हम वैसे ही याद कर लेंगे, एनल्जेसिक नेफ्रोपैथी और स्टेगहोर्न कैल्कुलाई। तो क्वेश्चन नंबर 25 एंड फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ए 60 ईयर ओल्ड मेल अटेंडिंग द हॉस्पिटल विद फीवर विद हिस्ट्री ऑफ फीवर लॉस ऑफ वेट हीमोटाइसिस, ही वॉज डायग्नोज टू हैव ट्यूबरक्लोसिस, तो क्रोनिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन की डेफिनेट काजेज पूछी हुई हैं, तो ये कोई बिग डील नहीं है, आराम से हो जाएगा। बैक्टीरिया हो सकता है, इन्फेक्शन वायरसेस हो सकता है, और क्रोनिक कब होता है जब हमें इस डिजीज़ का पता नहीं चल रहा था, तब वो एक्यूट से क्रोनिक में चेंज हो जाता है। और इसके अलावा पुअर कंप्लाइंस, जबकि जिसका पहले भी जिक्र किया कि जब बॉडी जो है पेशेंट की वो रिएक्ट नहीं कर रही होती ड्रग्स के अगेंस्ट। इसके बाद अगर चलते हैं तो इनोमरेट द केमिकल मीडिएटर्स, तो ये एक्चुअली किसी और चैप्टर का क्वेश्चन है जो इधर आ गया, तो हम लेकिन कुछ मीडिएटर्स का जिक्र कर देते हैं, रिवियन कर लेते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन है, रिएक्टिव स्पीशीज हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, ल्यूकोट्राइन, साइटोकाइन, न्यूरोपेप्टाइड्स हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हैं, इनमें से जो हमें ऑलरेडी पता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं, ये हमने सेकेंड ईयर की बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था और फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है। नाइट्रिक ऑक्साइड भी पढ़ा हुआ है, ल्यूकोट्राइन भी, साइटोकाइंस भी, और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, सिर्फ ये न्यूरोपेप्टाइड्स जो है आई थिंक न्यू है, और आई थिंक ये भी मैंने गाइडन में पहले पढ़ा हुआ है, तो ये आसानी से हम लिस्ट कर सकते हैं दोबारा से। सो ये टेबल है जो इसका है, लेकिन हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड,
Next question is, it 14-year-old girl develops a rapidly spreading painful erythematous rash on her leg. And this is the question that I told before कि ये आगे आएगा इसमें जो रिथमा टोटस रैश ऑन हर लेग है ये हमारे पास कीवर्ड है द रैश वार्म है टेंडर है और टेम्परेचर 38 है और ग्राम पॉजिटिव कोकाई इसका दूसरा कीवर्ड है यहाँ से हमें पता चल रहा है कौन सा कोकाई है कल्चर ऑफ एस्पैरेट किया जाता है तो ग्रू करता है एगर कलोनी के ऊपर ब्लड एगर कलोनीज के ऊपर और हीमोलिसिस करवा रहा होता है बीटा हीमोलिसिस ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहिबिटेड बाय बैक्टीरिया कौन सी डायग्नोसिस आप करेंगे इसके थ्रू हमें पता है हमने पहले भी किया था जो बड़ी ख़तरनाक डिजीज़ है इस और इसका आंसर है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस इन्फेक्शन है उसको और इम्पेटिगो इन्फेक्शन उसका नाम है इम्पेटिगो जो उसको हुआ जो हमने पहले भी पायरोजेंस की पायरोजेनिक फैक्टर्स में पढ़ा था इम्पेटिगो तो वही वाला इन्फेक्शन है इम्यूनोलॉजिकल डिजीजे जो हमने पहले रिपीट कर ली हुई हैं तो इसको मैं दोबारा नहीं करूँगा जिसमें रियोमेथाइड आर्थराइटिस था एक्यूट रियोमेटिक फीवर था और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था जो हमने पहले पढ़ लिया नेक्स्ट चलते हैं ए प्रीवियसली हेल्दी 12-year-old बॉय केम टू एमरजेंसी रूम कंप्लेनिंग वर्सनिंग ब्लडी डायरिया दिस इज द कीवर्ड कीवर्ड ब्लडी डायरिया और पास्ट 24 आवर्स और ए यूरिक है फॉर 12 आवर्स यानी ए यूरिक है अभी तक उसने यूरिन पास आउट नहीं किया और इस फिज़िकल एग्जामिनेशन कोई रिमार्केबल उसमें हमें चीज़ नज़र नहीं है सिवाय डिहाइड्रेशन के और मदर जो है उससे एक मिस्टेक ये हुई थी कि जो उसने हैमबर्ग बर्गर बच्चे को बना के दिया था तो उसमें जो मीट यूज़ हुआ था वो काफ़ी दिन पड़ा हुआ था किचन में खुला जिसकी वजह से उसके अंदर एक बैक्टीरिया ग्रो कर दिया और ये बिल्कुल लेविंसन की बुक की लाइंस हैं जो इन्होंने उठा के दी हैं हैमबर्गर भी उधर लिखा हुआ है मीट का भी जिक्र लिखा हुआ है ब्लडी डायरिया का भी जिक्र लिखा हुआ है तो मैं पेज नंबर बता देता हूँ डेट इज़ एक्चुअली पेज नंबर 153 खुद आप चेक कर सकते हैं चैप्टर नंबर 18 और इसके लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है डेट इज़ शिगा टॉक्सिन डेट इज़ एक्चुअली शिजेला वायरस से जो रिजेंबल करता है ये एक्चुअली दूसरा ई कोलाई है ये ई कोलाई का स्ट्रेन है जो कि उसके अंदर लिखा हुआ है O157 और H17 स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई है जो कि खास करता है और इसमें ये तीन फैक्टर्स हैं जो करेक्टराइज करते हैं किडनी फेलियर हो सकता है एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नेक्स्ट चलते हैं 27 क्वेश्चन है हमारा एंड थर्ड लास्ट क्वेश्चन है 34-year-old मेल अराइव्ड ए लोकल क्लिनिक है प्रॉब्लम्स हम डायरेक्ट देख लेते हैं कौन कौन सी है वेट बॉडी वेट लूज हुआ हुआ है कफिंग हो रही है रस्ट कलर्ड स्पूटम डेट इज़ द कीवर्ड रस्ट कलर्ड स्पूटम फिजिशियन ने एक्सरे किया तो स्पूटम में ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट शो हो गया हमें यहाँ से पता चल गया ये और ये डायरेक्ट है और आई थिंक उसने आगे लिख भी दिया है डेट इज़ ट्यूबरक्लोसिस तो उसका रूममेट जो था वो ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव था अब क्वेश्चन ये है कि बेस्ड ऑन द सिम्टम लेबोरेटरी रिजल्ट्स विच इन्फेक्शन डज द पेशेंट सफर फॉर कौन से इन्फेक्शन हैं इन्फेक्शन नंबर 1 है ट्यूबरक्लोसिस जो उन्होंने खुद ही बता दिया आई थिंक तो दोबारा से नहीं करते और ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट क्या होता है एक्चुअली ये एक हाइपर सेंसिटिव डिलेड रिएक्शन टेस्ट होता है जिसमें PPD एंटीजन को यूज़ किया जाता है और इसमें इसकी जो मेजरमेंट है ना उससे हम पता लगाते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडिकेशंस हैं सबसे पहले हम देखते हैं अगर तो वो डायमीटर चेक करते हैं हम स्किन का इंड्यूरेशन के स्किन का अगर तो वो 10 mm है तो उससे पता चलेगा कि हाई रिस्क फैक्टर अगर 5 mm है तो इतना हाई रिस्क फैक्टर नहीं है सिंपल डेफिशेंट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है और किसी एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस के कंटेंट में है सो दिस इज़ द ट्यूबरलिन ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट और आगे फिर रिपीट होगा 28-year-old fell and sustained a deep wound from rusty nail that penetrated his leg although the wound was cleaned the next shore 25 surgical emergency I think यहाँ पे पता चल जाएगा इसका जो कीवर्ड है गैस इन द टिश्यूज तो ये गैस गैंग्रीन है और गैस गैंग्रीन हमें बड़े अच्छे से पता है ये बड़ी भयानक सी तस्वीर भी बनी हुई है लेविंसन में तो वहाँ से भी हम याद कर सकते हैं गैस गैंग्रीन किस ऑर्गेनिज्म की है बड़ी आसानी से हमें पता है कि क्लोस्ट्रीडियम परफेरिजेंस जो उसके नाम के अंदर ही है हमने पहले भी पढ़ा था फूड पॉइजनिंग और गैस गैंग्रीन इसके मेन डिजीज हैं इसकी सो
नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है कि इसके और बाकी मेंबर्स बता दें नेम, तो वो हम बता देते हैं। डेफिसाइल है, बोट टेक्नी और बोटुलियम है जो हमने पहले पढ़ लिया है। नेम इसका गैस गैंग्रीन है डिजीज़ का। और स्पोर्स होते हैं इसके सॉइल में, और ये नॉर्मल फ्लोरा है कोलोन का और वजैना का, ये हमें उसके अंदर से नाम से मिल जाएगा। और यहाँ पे एक न्यू टेबल है जो कि पहले भी मेंशन था, उधर से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टेटिना एक्चुअली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को रोकती है, बोटुलियम जो है वो एसिटाइलकोलिन की रिलीज को रोकता है, पर फेरिजन्स दो काम कर रहा था, लैसिथिनेज बना रहा होता है और सुपरा एंटीजन। लैसिथिनेज गैस गैंग्रीन को के लिए वर्किंग करता है, और सुपरा एंटीजन जो है वो फूड पॉइजनिंग करवा रहा था। डेफिसाइल जो है वो साइटोटॉक्सिन डैमेजेस करता है कोलोन, साइटोटॉक्सिन डैमेज करता है कोलोन म्यूकोसा को। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये एक ही टेबल में सारी मेंशन है जो हमने पहले कर ली है, तो इस वजह से ज़्यादा जोर नहीं दे रहे। ए फीमेल इन्फेंट वाज डिलीवर्ड बाय द मिड वाइफ एट होम, विद इन शी डेवलप्ड मेनिनजाइटिस एंड डाइज इन द नेक्स्ट डे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेनिनजाइटिस होता है और नेक्स्ट डे मर जाता है, और यही की वर्ड है इसका। नेम टू कॉमन ऑर्गेनिज्म दैट कैन काज दिस डिजीज। मेनिनजाइटिस की बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं। सो हमें पता है कि एक तो हमने पहले पढ़ लिया था जिसमें हम स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टाई पढ़ लिया था। एग्लेक्टाई जो है वो हमने टेबल में पढ़ लिया था। ई कोलाई जो है इसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी इसकी, और दूसरी इसकी डिजीज़ आप पढ़ रहे हैं हम, मेनिनजाइटिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो रिस्क फैक्टर्स हैं। सो हमें पता है कि कौन कौन से मेनिनजाइटिस को काज करने के लिए रिस्क फैक्टर्स होते हैं, यानी कि मदर को अगर इन्फेक्शन है तो उस वजह से, मदर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में किसी वजह से इन्फेक्शन है तो उस वजह से, फीटस को अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो उस वजह से, और प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन लेबर हो जाती है उस वजह से। तो ये हम खुद से बना सकते हैं, इसमें कोई इस रॉकेट साइंस नहीं है। लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो याद करने हैं, डेट आर ग्राम स्टेनिंग और ब्लड एगर में कौन की एगर, बायोकेमिकल टेस्ट करवाती TSI, ये इतनी दफ़ा रिपीट हो जाते हैं तो कि हमें वैसे ही याद हो जाते हैं, तो इसको भी दोबारा दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 37 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट्स विद 2 month year history of progressive coughing है, weight loss है, fever, cough, chest x-ray, bilateral cavitary disease suggest of tuberculosis. So अंदर ही आंसर दे दिया उन्होंने, tuberculosis है। sputum culture, acid fast, bacilli test on photochromatograms है। name orange pigment when exposed to light. तो ये कौन सा है, ऑरेंज जो है वो इसका कीवर्ड है। वैसे तो उन्होंने बता दिया कि ट्यूबरक्लोसिस है, तो एटिपिकल ट्यूबरक्लोसिस है, और फाइटोक्रोमेजोन्स हैं जो ऑरेंज पिगमेंट काज करते हैं, तो एक ही है वो, डैट इज़ मायोबैक्टीरियम कैंसाई जो एसिलियन काज करता है, और एक जो है वो मायोबैक्टीरियम मेरिनियम है जो कि फिश टैंक ग्रेनुलोमा काज करती है, जो इधर अभी यूज़ नहीं होगी, वैसे उसको पूछा गया। ट्यूबुलिन स्किन टेस्ट जो हमने पहले पढ़ लिया और यहाँ पर रिपीट हुआ है, एंड यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एंड होते हैं। कुछ आगे क्वेश्चंस और हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं बार बार, डेटा लेफ्ट बिकॉज ऑफ रेपिटेशन। आई होप दिस सेशन विल मेक मैनी थिंग्स क्लियर अकॉर्डिंग टू UHS पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू USMLE एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू। इंशाल्लाह हम इसको एक दफ़ा दोबारा से टारगेट करेंगे डिफरेंट तरीके से, इसके USMLE के MCQs भी करेंगे, UHS के MCQs भी करेंगे, उसके बाद ये जिसने 2 sessions ले लिए वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। एक सजेशन आपसे ली थी स्टार्ट में डेट के, अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह कीवर्ड्स से हम बैक्टीरिया निकालते जा रहे थे और आंसर निकालते जा रहे थे, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह सारे बैक्टीरिया कवर हो जाएं और स्केची के लिए, स्केची नोट्स के लिए वो अल्टरनेटिव यूज़ हो सकता है, वो बेस्ट अल्टरनेटिव, तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर ये मैक्सिमम वीडियो लाइक होती है या आप लोगों की तरफ सजेशन आती है तो इंशाल्लाह वो अलग से वीडियो भी बन जाएगी। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।